हेलो एवरीबॉडी वेरी वेलकम टू यू जी सी ने ट्वेंटी फोर सेवन कैसे हैं आप सभी लोग फटाफट से क्लास में आ जाइएगा बिल्कुल भी डिले नहीं करेंगे आज हम लोग कंप्लीट थ्योरी करने वाले हैं ऑफ टीचिंग एप्टीट्यूड क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स की ये डिमांड आ रही थी कि मैम प्लीज़ हमको टीचिंग एप्टीट्यूड के कुछ जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं थैंक यू जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो करवा दीजिए बिकॉज इट्स वेरी हाई टाइम वक्त एग्जामिनेशन भी आ रहे हैं अप्रोच कर रहे हैं सो दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेशन एवरीबडी अच्छा एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ दैट आपको पता है हमारी क्रैश चल रहे हैं कल आप लोगों की कम्युनिकेशन की पहली क्लास होगी दिस क्लास वॉज वेल और मतलब मुझे कुछ प्रॉब्लम हो रही थी और वो बहुत ही सडनली हो गई थी तो मुझे क्लास को uh, आज जो है आज मंडे के लिए करना पड़ा था तो आई एम सो सो सॉरी जितने भी स्टूडेंट्स ने मुझे मैसेज टेक्स्ट और कमेंट्स किए थे सेशन पर उनको तहे दिल से जो है मुझे माफ़ी मांगनी है क्योंकि वो सेशन हो नहीं पाया था ठीक है हाँ तो हायर एजुकेशन यस हायर एजुकेशन हमने जितना भी इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो हमने कर ली हैं कल हम लोग कम्युनिकेशन पढ़ेंगे आज हम लोग फटाफट फड़ से टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए आप लोग रेडी हो जाओ और कल तो जो है वो दशहरा है आप सभी को पता है तो भाई जो भी चीज़ें हम यहाँ पे कर रहे हैं दिस इज ऑल मतलब हम ये चाहते हैं कि आपका जो दिसंबर अटैम्प्ट है उसमें आपका जे क्वालिफाई हो जाए साथ ही साथ एक और चीज़ बताना चाहती हूँ आप लोगों को कि आ, अभी ये चीज़ जो हम मतलब ऑब्वियसली जो क्लास ले रहे हैं टीचिंग एप्टीट्यूड की ये थ्योरी होगी इसमें मैं क्वेश्चंस भी करवाऊंगी क्योंकि आपको पता है मैं सिर्फ थ्योरी पे वैसे भी बिलीव नहीं करती हूँ आई हैव टू टेक वो क्वेश्चंस एज वेल तो आई हैव ट्राइड इनफ कि मैं क्वेश्चंस भी इंक्लूड करूँ आप सभी सेशन को अच्छे से शेयर कर दीजिए एंड मैम जी लास्ट मैराथन देख लिए आज ही अच्छा ठीक है <coughs> बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया तो मैंने इस सेशन को शेयर कर दिया आप लोग भी शेयर कर दिए चलिए फटाफट से अच्छे से कोट के साथ में शुरू करते हैं जो कि बहुत ही मोस्ट यूज कोट है लेकिन शायद हम कहीं ना कहीं भूल भी जाते हैं दैट इज़ नथिंग इज़ इम्पॉसिबल द वर्ड इट सेफ से इज एम पॉसिबल तो बिल्कुल सही बात है कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है अगर आप ठान लें अगर आपके मन में है चीज़ें कि आपको क्वालिफाई करना है आपका नेट का एग्जामिनेशन देन नथिंग इज इम्पॉसिबल एवरीथिंग इज पॉसिबल क्योंकि इम्पॉसिबल इज़ आई एम पॉसिबल तो भाई वो खुद ही कह रहा है कि मैं मैं पॉसिबल हूँ वाई आर यू थिंकिंग दैट इट इज इम्पॉसिबल तो अभी ये वाला जितना भी नेगेटिविटी है नेगेटिव नोशन को क्या करना है उसका दहन करना है जैसे रावण का दहन किया था राम जी ने वैसे ही जो है लंग दहन हुआ था वैसे ही आप लोगों को भी ये जो अपना डर है अपनी नेगेटिविटी है उसको आ, दूर करना है अपने आप से और लग जाना है अपनी तैयारी में ठीक है चलिए तो सबसे पहले शुरू करते हैं अपने बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ में साथ ही साथ अगर आपने ट्वेंटी सेवन का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है डू डाउनलोड दी एप्लीकेशन एज वेल बिकॉज आप लोगों को जो भी पी वगैरह होती हैं क्लास की वो मैं यहाँ पर आप लोगों को अटैच कर देती हूँ अपनी कम्यूनिटी पर तो आप मुझे कम्यूनिटी पर जा करके फॉलो भी कर लीजिए इनफैक्ट जितने भी बच्चों का कॉमेंट आया था पिछले क्रैश कोर्स वाली पी के लिए मैंने पर्सनली जा कर के जो है वो सब कुछ उसको अरेंज कराया फ्री पी का लिंक क्रिएट करवाया मैसेज किया आई वॉज कॉन्स्टेंटली बिजी ऑन दी एप्लीकेशन तो एप्लीकेशन पर भी आप मुझसे कम्युनिकेट कर सकते हैं बात कर सकते हैं पी डी एक्सेस कर सकते हैं तो चैट बॉक्स में जो लिंक दिया है वहाँ से जा करके पी को डाउनलोड सॉरी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए अगर आप जून 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं दिसंबर आपका सिर्फ एक ट्रायल फेज है तो हमारे सभी फाउंडेशन बैचेस जो हैं वो अभी से आ चुके हैं हमारे स्टोर पर अभी ये फाउंडेशन बैचेस की फाइ का फायदा ये है कि आपको ऑल टाइम लो प्राइसेस मिल रहे हैं हमारे सारे बैचेस जो हैं वो आपको फोर थाउजेंड रुपीज में मिल रहे हैं जिनका प्राइस ऑब्वियसली बढ़ जाएगा जैसे ही आपका दिसंबर एग्जाम खत्म होगा तो Uh, जो है वो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पर है सीध सा फिलिंग फास्ट तो आप सभी लोग जो है फटाफट से एनरोल कर लीजिए एनरोलमेंट के लिए जो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट कूपन यूज़ करना है जिससे आपको 80 परसेंट का डिस्काउंट मिलेगा वो रहा वाई फाइव सिक्स थ्री अगर आप कोई भी बुक्स या हमारे टेस्ट सीरीज़ में एनरोल करना चाहते हैं तो वाई फाइव सिक्स थ्री एस कर लें अब हमारे पास इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में क्विजेज़ अवेलेबल हैं तो सबसे पहले बात करेंगे कि टीचिंग एप्टीट्यूड क्या है टीचिंग एप्टीट्यूड अगर हम बात करें <laughs> अभी तो पे, पेपर टू का तो मेरा है अगर आप पेपर टू के फैकल्टीज को फॉलो करेंगे तो उनके भी आपको पी मिल जाएंगे गुड आफ्टरनून टीचिंग एप्टीट्यूड एक प्रोसेस है नॉलेज शेयर करने का और वो नॉलेज शेयर कौन कर रहा है uh, एक जो आपका मोर मेच्योर पर्सनालिटी है विच इज़ द टीचर एंड द लेस मेच्योर वन तो बेसिकली जो आपका टीचर है वो स्टूडेंट को नॉलेज शेयर कर रहा है और उनको हेल्प कर रहा है टू अचीव देयर गोल्स यानी कि उनके गोल को अचीव करना उनको हेल्प करना उनको नॉलेज प्रोवाइड करना ये जो है वो टीचिंग एप्टीट्यूड के अंदर टीचर का काम होता है एडिशनली इट कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज द एबिलिटी ऑफ अ पर्सन टू टीच वंस दे आर गिवन द नेसेसरी ट्रेनिंग तो टीचिंग भी एक ट्रेनिंग का प्रोसेस आपको पता है माइक्रो टीचिंग एक ट्रेनिंग प्रोसेस होता है आपको पता है जब भी आप बी कर रहे होते हैं तो भी आपको ट्रेन किया जाता है टू तो बिकम एलिजिबल टीचर्स तो ये पूरा प्रोफेशनल कोर्स होता है एक टीचर बनने का और अगर आप नेट क्वालिफाई करते हैं तो नेट भी आपका मिनिमम एलिजिबिलिटी टेस्ट हो जाता है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का क्योंकि ये पूरा एग्जाम ही एप्टीट्यूड का होता है तो आपके सब्जेक्ट नॉलेज और आपका जनरल एप्टीट्यूड चेक होता है और जो भी हम ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं टीचर्स को वो भी हेल्प करता है उनको टू बिकम अ टीचर एंड टू टीच द स्टूडेंट्स तो यहाँ पर टीचिंग एप्टीट्यूड कुछ नहीं है इट इज़ जस्ट शेयरिंग ऑफ नॉलेज शेयरिंग ऑफ ऑल एंड ऑल्सो हेल्पिंग अदर्स Others यहाँ पर स्टूडेंट्स हो गए अच्छा एक और चीज़ होती है यहाँ पर टीचिंग जो है वो आपका एक कंटिन्यूस प्रोसेस है कंटिन्यूस का क्या मतलब होता है ये लगातार निरंतर चलने वाला एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पर हर वक्त हम कुछ ना कुछ सीख रहे होते हैं एक टीचर से देर ऑलवेज अ टीचर इन्वॉल्व देर इज ऑलवेज लर्नर्स इन्वॉल्व ठीक है हाँ जी <coughs> तो यहाँ पर टीचिंग कंटिन्यूस है लर्निंग भी कंटिन्यूस है क्योंकि आप देखोगे लर्निंग की भी कोई उम्र नहीं होती है और लर्निंग एक परमानेंट चेंज होता है आपके बिहेवियर में आपके नॉलेज में ये इम्पैक्ट कहाँ से होता है टीचिंग से लेकिन एक और चीज़ आता है कि सब लर्निंग जो है वो टीचिंग से ही नहीं होती है क्या ये स्टेटमेंट सही है दैट ऑल लर्निंग डज नॉट हैपन ड्यू टू टीचिंग बिल्कुल सही बात है आप लर्न अपने आप से भी कुछ कुछ चीज़ों को करते हैं भी 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 होती होती है, भी होता है। है, है। है, होता कोई आपको आपको पढ़ा रहा है, वहां से चीजें समझाता टीच करता है तो ये सारे बहुत सारे फेजेस हैं जो हम लर्न करने के लिए यूज करते हैं टीचिंग इज वन ऑफ दी थिंग्स दैट इज यूज फॉर फॉर यू नो मेकिंग somebody लर्न समथिंग या उनको कुछ बताना या नॉलेज शेयर करना और भी तरीके हैं जिससे हम लर्न करते हैं और लर्निंग भी आपकी कंटिन्यूस प्रोसेस है लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है नेवर एंडिंग प्रोसेस है तो इससे क्वेश्चन भी आया था कि क्या प्यूबर्टी होते ही एडोलेसेंट बनते ही आपकी लर्निंग स्टॉप हो जाती है तो ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है बिकॉज लर्निंग इज़ कंटिन्यूस एंड ऑन गोइंग ऑलवेज़ ठीक है येस yes. तो ये आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी मैं प्रोवाइड कर रही हूँ बिकॉज दिस इज़ योर थ्योरी क्लास और यहाँ पर हम सब कुछ जो है वो नॉर्मली uh, करेंगे जितनी भी आपकी थ्योरी है उसको मैं मैक्सिमम प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगी अच्छा इस क्लास में एक और चीज़ होगा हम एलएमएस भी पढ़ेंगे और ऑनलाइन टूल्स भी पढ़ेंगे टीचिंग के जो आपके नए कॉन्सेप्ट पूछे जा रहे हैं तो आई एम नॉट गोइंग टू जस्ट टीच यू वो सारी चीज़ें जो uh, आपको ऐसे पढ़ा दी जाती हैं कि हाँ ये तो वही चीज़ें हैं रटी रटाई चीज़ें हैं जो आपको हर बुक में मिल रही है हर जगह मिल रही है वो सारी चीज़ें नहीं हम यहाँ पर नई चीज़ें भी पढ़ते हैं आपको पता है अगर आप मेरे साथ जुड़े हैं तो आप अच्छी चीज़ें नई चीज़ें कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ पढ़ेंगे और मैं ऐसे कोई भेदभाव नहीं करती हूँ ठीक है स्टूडेंट्स के बीच में चलिए तो टीचिंग बेसिकली जो है वो तीन टॉप मोस्ट क्वालिटीज़ इसमें रिक्वायर्ड होती हैं एक होता है टीचर का नॉलेज एक होता है कम्युनिकेशन स्किल और एक होता है एप्टीट्यूड दैट इज़ बाय जब आप ये एप्टीट्यूड टेस्ट की बात करते हैं ना तो इन अ वे ये, ये बता देता है कि आपके अंदर वो टीचिंग की वो रिसर्च की स्किल्स शामिल हैं दैट इज़ बाय आप जो है एलिजिबल हो चुके हैं अगर कोई टीचर है तो उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि वो कम्युनिकेट इफेक्टिवली कर रहा है इनफैक्ट आपके पास टीचिंग एप्टीट्यूड में एक सब टॉपिक भी है जिसका नाम ही है क्लासरूम कम्युनिकेशन आई एम श्योर आप लोग बहुत बार इस क्वेश्चन को आप लोगों ने देखा होगा कि क्लासरूम कम्युनिकेशन को हम कैसे इफेक्टिव बनाएं तो इन टोटल ये पूरा टॉपिक इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन बन जाता है आखिर क्यों ये सब टॉपिक है दैट मीन्स कि हमको क्लासरूम में या क्लासरूम कम्युनिकेशन में एक इफ़ेक्टिवनेस की रिक्वायरमेंट है और अगर कोई क्लासरूम हमको इफेक्टिव बनाना है तो वहाँ पर कम्युनिकेशन प्लेज अ वेरी वाइटल एंड इम्पॉर्टेंट रोल तो कम्युनिकेशन यानी आपका संचार कौशल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बच्चों से कैसे फीडबैक लेना है बच्चों के प्रॉब्लम्स को कैसे आइडेंटिफाई करना है किस बच्चे से क्या बात करनी है कैसे बात करनी है एवरी इज़ इसी चीज़ में है कि हमारा हाँ कम्युनिकेशन या संचार का कौशल क्या है साथ ही साथ कैसे किसी टीचर को बच्चों से कनेक्ट करके जो उसके दिमाग की चीज़ है वो बच्चों तक पहुंचानी है समझाना है ये भी एक बहुत ही अच्छा कौशल है जो कम्युनिकेशन के थ्रू ही पॉसिबल है एंड नॉलेज अगर आपको अपने सब्जेक्ट में अपने डोमेन में नॉलेज ही नहीं होगी आपको पता ही नहीं है कि आपको क्या पढ़ाना है हाँ गुड आफ्टरनून आपको क्या पढ़ाना है तो शायद आप कभी उस चीज़ को नहीं कर पाएंगे ठीक है सो नॉलेज कम्युनिकेशन स्किल और एप्टीट्यूड ये तीनों नेसेसरी रिक्वायरमेंट्स हैं व्हेन इट कम्स टू टीचिंग चलिए अभी हम लोग नेक्स्ट अभी हमने, हम लोग हम लोगों ने बेसिक बेसिक कर लिया है अब हम लोग ऑब्जेक्टिव्स की बात कर लेते हैं कि आखिर उद्देश्य क्या है हम क्यों पढ़ा रहे हैं या टीचिंग क्यों कर रहे हैं आप यहाँ क्लास में क्यों आए हुए हैं व्हाट इज दी पर्पस ऑफ दिस पहला टू प्रोवाइड नॉलेज एंड स्किल टू लर्नर सो दैट दे can कोप अप विद द फास्ट चेंजिंग वर्ल्ड उनको इस तरह से नॉलेज और स्किल्स या उनको इस तरह से ज्ञान और कौशल प्रदान करना ताकि वे तेजी से बदलती दुनिया का सामना कर सके उनको रेडी करना उनको फ्यूचर के लिए रेडी करना जैसे यहाँ पर आप लोग मेरे साथ क्लास में बैठे हैं आप लोग मुझसे पढ़ रहे हैं क्यों क्योंकि आप यू जी सी नेट और जे आर एफ की तैयारी कर रहे हैं और फ्यूचर में आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है या फिर जे आर एफ का सर्टिफिकेट लेकर के आपको पी एच में एनरोल करना है तो ये नॉलेज आप मुझसे ही ले रहे हैं और जो भी चीजें मतलब बदलता हुआ पैटर्न जैसे अगर हम देखें यहाँ पर तो एन बदलते हुए पैटर्न के साथ में ही ये ये क्लास को मैंने अलाइन किया है तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव हो गया इस क्लास का लेकिन एज अ होल भी ऑब्जेक्टिव यही होता है टीचिंग का नेक्स्ट अगर हम ऑब्जेक्टिव की बात करें तो ये क्या काम करता है ये लर्नर्स को शेप करने का काम करता है जैसे पेंसिल होती है ना पेंसिल को हम क्या करते हैं शार्पनर में डाल करके शार्पन करते हैं और तब वो बहुत सुंदर लिखती है है ना वैसे ही यहाँ पर भी एक टीचर का काम है कोई भी लर्नर है जो उनसे पढ़ रहा है उसको इतना इफेक्टिव इतना अच्छा बना देना इतना नॉलेजेबल बना देना कि वो उतना अच्छा अपने एग्जामिनेशन में या अपनी लाइफ में कर पाए तो हम लर्नर्स को शेप कर रहे हैं फॉर बिकमिंग बेटर एंड फॉर लर्निंग बेटर ठीक है ये चीज और उसके अंदर परमानेंट चेंज लाने के लिए टू नर्चर स्टूडेंट्स एट ऑल स्टेजेस ऑफ लर्निंग हर स्टेज पर चाहे बच्चा छोटा हो बहुत अडोलसेंट uh, लेवल पर हो चाहे अडल्ट लेवल पर हो तीनों ही लेवल पर या फिर हर लेवल पर हर स्तर पर बच्चों को क्या करना है उनको नर्चर करना है उनको गाइड करना है उनको समझाना है और उनके साथ हमेशा एज अ सपोर्ट एज अ गाइड खड़े रहना है टू इंक्लूड वैल्यूज़ मॉरल्स पंक्चुअलिटी एंड डिसिप्लिन इन द स्टूडेंट्स बेसिकली अगर हम टीचिंग की बात करें तो हायर एजुकेशन में आप लोगों ने एक अलग से सेक्शन पढ़ा होगा जिसका नाम है वैल्यू एजुकेशन वैल्यू एजुकेशन का मतलब क्या होता है वैल्यू एजुकेशन का मतलब ही ये होता है कि हम के अंदर वैल्यूज को इंस्टिल कर रहे हैं हम उनको बता रहे हैं कि हमारा जो नेशन है वो बहुत डाइवर्स है बहुत डाइवर्सिटी है स्टिल वी आर ऑल इन टुगेदर तो ये सारे जितने भी वैल्यूज हैं उनको समझाना भी एक टीचर का काम होता है बिहेवियर मॉडिफिकेशन भी एक टीचर के लिए जरूरी है एक स्टूडेंट के लिए कि टीचर उसको प्रोवाइड करे उसके बाद टीम वर्क और लीडरशिप प्रोवाइड करना और बच्चे का ऑलराउंड डेवलपमेंट देखना स्टूडेंट्स का ओवरऑल डेवलपमेंट कैसे वो बेटर बन रहे हैं जैसे अगर यूनिट टेस्ट में उन्होंने कैसा परफॉर्म किया उससे बेटर हाफ ईयरली में परफॉर्म करना है और उससे बेटर उनको एनुअल में परफॉर्म करना है या फिर अगर आप देखोगे तो अगर कोई बच्चा है वो बहुत शरारती है या जैसा भी है उसके पर्सनालिटी को इस तरह से शेप करना कि वो पढ़ाई लिखाई में ध्यान देने लगे तो इन अ वे टीचर को बच्चे को इस तरह से समझना चाहिए कि वो उनका ही बच्चा है और उनको इस तरह से उनको देखना है कि भाई अगर ये अच्छा बन रहा है तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इसको अच्छा बनाएं और अगर ये बेकार बन रहा है तो तो भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इसको अच्छा करें यानी बेकार नहीं करना है किसी भी स्टूडेंट को हमें इसका ऑलराउंड डेवलपमेंट देखना जरूरी है ठीक है यस चलिए ओके थैंक यू वेरी मच यस प्लीज शेयर द सेशन है एंड सोशियोलॉजी के लिए बात हो गई है और आपकी सोशियोलॉजी की टीचर भी आने वाली हैं आप लोग के लिए सरप्राइज है ये सब कुछ तो प्लीज जो है वो uh, uh, ध्यान रखिए एंड क्लास में डेली आते रहिए चलिए ठीक है ओके नेक्स्ट okay. बात करेंगे हम लोग डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स के बारे में सेकेंड हाँ ठीक है अगर हम लेवल्स ऑफ टीचिंग की बात करें तो हमारे पास है मेमोरी लेवल हमारे पास है अंडरस्टैंडिंग लेवल और हमारे पास है रिफ्लेक्टिव लेवल अब इसको समझने की ज़रूरत है क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं अगर आपको पता है वो कीवर्ड्स तो आप ये क्वेश्चन बड़े ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं इसमें कुछ भी नहीं है सबसे इम्पॉर्टेंट तो ये जानना है कि इनके प्रोपोनेंट्स कौन है यानी कि इनको दिया किसने या इसको बताने वाले लोग कौन है अगर हम मेमोरी लेवल की या स्मृति स्तर की बात करें तो आप लोग मुझे बताइए लेट्स एंगेज विद ऑल ऑफ यू क्या आ, किसने दिया है मेमोरी लेवल हु इज द प्रोपोनेंट ऑफ मेमोरी लेवल हां जी <clears throat> बताइए क्या हो गया भाई मैम जूलॉजी वालों का नेट नहीं आता है क्या जुलॉजी वालों का एनवायरमेंट साइंस में आता है यस वेरी गुड रूपाली हर्बर्ट द प्रोपोनेंट चलो फटाफट से बता दो मुझे अंडरस्टैंडिंग लेवल का बता दो हु इज द प्रोपोनेंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग लेवल मॉरिसन यस एंड हु इज द प्रोपोनेंट ऑफ रिफ्लेक्टिव लेवल लेवल हंट ठीक है अब अगर हम बात करें ये जो लेवल्स आपके बनाए गए हैं वो आपके सोचने पर बनाए गए हैं किस तरह से बच्चा सोचता है ठीक है कितना वो एफर्ट डालता है सोचने में मेमोरी लेवल इज द मोस्ट थॉटलेस क्योंकि यहां पर क्या होता है बच्चा जो है वो रूट लर्निंग करता है जो रटी रटाई चीजें हैं उसको समझने की मतलब उसको ही करता है और साथ ही साथ यहाँ पर क्या होता है यहाँ पर फैक्ट्स यानी जो भी तथ्य होते हैं उनको बच्चा याद करता है याद करने पे ज्यादा फोकस होता है तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाता है बस रट लेता है अंडरस्टैंडिंग लेवल नाम से ही पता चल रहा है बोध का स्तर है यानी यहाँ पे आप समझने की कोशिश कर रहे हैं तो आप यहाँ पर क्या करेंगे यहाँ पर फैक्ट्स तो आएंगे ही आएंगे लेकिन आप फैक्ट्स के साथ में रिलेशनशिप को स्टैब्लिश करने की कोशिश करेंगे साथ ही साथ आप खुद के अपने खुद के एग्जाम्पल्स देंगे जो कि पॉजिटिव और नेगेटिव एग्जाम्पल्स हो सकते हैं टीचर भी एग्जाम्पल देता है तो यहाँ पर खुद से समझना फैक्ट्स को रिलेट करके समझना इज अंडरस्टैंडिंग लेवल रिफ्लेक्टिव लेवल आपका सबसे हाइएस्ट और मोस्ट थाटफुल लेवल है यहाँ पर क्या होता है बच्चा जो है वो आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग पर आ जाता है मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग करने लगता है यहाँ पर हम क्रिटिकल थिंकिंग को भी देखते हैं दैट मीन क्रिटिकल थिंकिंग भी चल रही है साथ ही साथ अगर हम यहाँ पर देखें तो बच्चा लॉजिकली भी सोचने लगता है और ये अगर हम देखें यहाँ पर मेमोरी लेवल तो ये आपका होता है टीचर सेंट्रिक ठीक है शिक्षक केंद्रित होता है अंडरस्टैंडिंग लेवल आपका आप कह सकते हो लर्नर uh, सेंट्रिक भी होता है साथ ही साथ आपका सब्जेक्ट सेंट्रिक भी होता है एंड ऑल्सो अगर हम बात करें सबसे ऊपर के लेवल की रिफ्लेक्टिव लेवल की तो ये आपका जो है वो स्टूडेंट सेंटर कह सकते हो या चाइल्ड सेंटर या फिर आप कह सकते हो जो भी छात्र केंद्रित चीजें होती हैं प्योरली वो आपका रिफ्लेक्टिव लेवल यानी कि जो आपका चिंतनशील स्तर है उसमें आ जाता है तो ये सबसे हाईएस्ट लेवल है मोस्ट थॉटफुल है प्रॉब्लम सॉल्विंग है क्रिटिकल थिंकिंग है ठीक है येस yes. ओके ऑल तो ये तीनों चीजें जो है अगर आपको समझ में आ गई हैं सो लेट्स डू वन क्वेश्चन योर एवरीबडी चलो बताओ अ टीचर गिव्स अ लॉट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव एग्जांपल्स टू सपोर्ट हिज और ओवर प्रेजेंटेशन द क्लासरूम दिस विल बी रिलेटेड टू विच लेवल ऑफ टीचिंग हम्म अच्छा मुझे एक चीज़ बताइएगा कि वॉट हैपेंड हियर लाइक वॉट आई एम ट्राइंग टू डू इज कि मैं आप लोगों को चीज़ें समझाने की कोशिश कर रही हूँ राइट और ऑल आई कैन सी इज दैट इधर सम सम पीपल आर कॉन्स्टेंटली कंसर्न अबाउट पी डी एफ्स सम पीपल आर कॉन्स्टेंटली कंसर्न अबाउट कि सोशियोलॉजी um, की टीचर हैं या नहीं um, मिलिट्री साइंस की टीचर को लेकर आइए देखो आगे सत्यदेव सिंह मिलिट्री साइंस सब्जेक्ट टीचर चलो धरने में बैठते हैं अभी है ना देखो फिर सत्यदेव जी का मैसेज आता है अब सत्यदेव जी ने ये सोचा है कि हम एक ही मैसेज पचास बार करेंगे ताकि मिलिट्री साइंस सब्जेक्ट के टीचर यहाँ बगल में आकर के खड़े जाए प्रगट हो जाए जैसे जैसे दुर्गा उसमें कहते हैं ना दुर्गाचर से प्रगट भाई फाड़ कर ख़म्बा तो ये जो है वो सोच रहे हैं कि अभी जो है मिलिट्री साइंस के टीचर प्रगट हो जाएंगे ठीक है तो भाई प्रगट तो कोई नहीं होने वाला है हम देख रहे हैं और अभी जो आप पढ़ रहे हैं आप उस पर फोकस करेंगे ठीक है हाँ चलो तो यहाँ पर आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल जो है वो सही हो जाएगा तो प्लीज हाँ ठीक है ये थोड़ा सा गड़बड़ोगे सोच सो समझ सो का स्तर ठीक है समझ जाओ यार बस जो भी चीज है ठीक है हाँ फॉर पेपर वन ऑफ फिजिकल एजुकेशन पेपर वन फिजिकल एजुकेशन वाले भी पढ़ सकते हैं पेपर पेपर एनवायरमेंट साइंस वाले भी पढ़ सकते हैं paper one तो जनरल पेपर है भाई सब पढ़ सकते हैं क्या दिक्कत आ रही क्या दिक्कत आ गई भाई क्या दिक्कत आ गई हाँ ठीक है इज इट फॉर पेपर वन फिजिकल एजुकेशन तो टिपिकली फिजिकल एजुकेशन के लिए नहीं है भाई हाँ जी <laughs> अच्छा चलो ठीक है हाँ आप बताओ ये वाला इन लेवल ऑफ टीचिंग सीइंग ऑफ रिलेशनशिप इज प्रमोटेड एज एन ऑब्जेक्टिव हाँ प्रियंका जब आपका वो ओपन होगा ना विंडो करेक्शन विंडो तो प्लीज कर लीजिएगा ठीक है चलो लेट्स अभी मैंने आपको बताया कि जब भी हम रिलेशनशिप की बात करते हैं की बताया रिलेट करते हैं फैक्ट्स को तो वो कौन सा लेवल होता है आपका बोध का स्तर होता है या फिर आप कह सकते हो अंडरस्टैंडिंग लेवल होता है तो यहां पर भी जो आपका सेकंड ऑप्शन है यानी अंडरस्टैंडिंग लेवल जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा वेरी गुड चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पर ऑफ टीचिंग एप्टीट्यूड विच इज इवेल्युएशन ठीक है तो इवेलुएशन में क्या होता है इवेलुएशन में हम दो चीजें कर रहे हैं जिसको मिला करके हम इवेलुएशन कर रहे हैं एक तो हम चीजों को माप रहे हैं दैट मीनस हम कुछ नंबर दे रहे हैं ठीक है वी आर गिविंग सम नंबर और साथ ही साथ हम उसका असेसमेंट भी कर रहे हैं तो ये मेजरमेंट प्लस असेसमेंट मिला करके आपका इवेलुएशन बन जाता है जिसको सबसे हाइएस्ट बोला जाता है जो कि आपका मूल्यांकन बनता है ठीक है अच्छा अब इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं अगर हम मूल्यांकन की बात करें तो मूल्यांकन कैसा होता है क्या मूल्यांकन आपका कंटिन्यूस है या नॉन कंटिन्यूस है क्या ये कंटिन्यूस है टीचिंग तो कंटीन्यूस है लर्निंग कंटिन्यूस है इवेलुएशन भी आपका कंटीन्यूस होता है और इवेलुएशन आपका बहुत अलग अलग तरीके का होता है जैसे फॉर एक्जाम्पल हम अलग अलग रेफरेंस पर अलग अलग चीज़ें करते हैं ठीक है हाँ जैसे अगर हम बात करें प्लेसमेंट इवेलुएशन की तो ये हम फेजेस पर करते हैं यानी जो भी आपके फेजेस हैं टीचिंग के उसके बेसिस पर फेजेस के बेसिस बेसिस पर हम जो इवेल्युएशन करते हैं वो आपके चार तरीके के हो गए प्लेसमेंट हो गया आपका फॉर्मेटिव हो गया ठीक है डायग्नोस्टिक हो गया और आपका हो गया समेटिव ठीक है तो ये सारी चीजें हो गई आपकी अब हमको क्या देखना है अब हमारे पास एक और इवेल्युएशन आता है जो कि हमारा किसी स्टैंडर्ड से रिलेटेड होता है एक होता है आपका क्राइटेरिया और एक होता है आपका नॉम रेफरेंस अगर हम बात करें आपके कुछ और टेस्ट के बारे में तो एक तो आपका हो जाता है क्वालिटेटिव और एक होता है आपका क्वांटिटेटिव तो अगर हम किसी चीज़ को नंबर दे रहे हैं नंबर के बेसिस पर देख रहे हैं तो वो आपका क्वांटिटेटिव हो जाएगा अगर हम किसी के क्वालिटेटिव एस्पेक्ट को यानी कि गुणात्मक चीज़ों को देख रहे हैं तो वो आपका क्वालिटेटिव हो जाएगा जैसे फॉर एग्जाम्पल इंटरव्यू अच्छा हम क्यों कह रहे हैं कि इंटरव्यू आपका क्वालिटेटिव है वाई आर वी सेंग इंटरव्यू इज़ अ क्वालिटेटिव थिंग क्योंकि जब भी हम इंटरव्यू लेते हैं तो हम सिर्फ नंबर के बेसिस पर नहीं करते हैं हम बहुत सारी चीज़ों को चेक पोस्ट चेक करते हैं जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कि जो भी इंसान है जिसका हम इंटरव्यू ले रहे हैं वो कैसे बोल रहा है क्या बात कर रहा है उसके आंसर्स कैसे हैं क्या वो विटी है क्या वो सिचुएशन को मैनेज कर सकता है अगर प्रॉब्लम आती है तो ये सारी चीज़ें

फेस टू फेस इंटरव्यू करवा रहे हैं तो ये सारी चीज़ें जहाँ पर आप नंबर प्रोवाइड कर रहे हो डायरेक्टली तो उसको हम क्वांटिटेटिव बोलते हैं ठीक है जैसे आपका रिटर्न टेस्ट हो गया आपका ओरल टेस्ट हो गया या आपका कोई प्रैक्टिकल टेस्ट हो गया प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन हो गया ये आपके क्वांटिटेटिव में आ जाते हैं यानी कि ये मात्रात्मक हो जाते हैं लेकिन वहीं पर जब हम किसी का क्वालिटी देखते हैं उनके गुणों को चेक करने की कोशिश करते हैं उनकी पर्सनालिटी को चेक करने की कोशिश करते हैं तो वो आपका क्वालिटेटिव टेस्ट हो जाता है आइए अब इसको हम प्रॉपर प्रॉपरली देख लेते हैं कि कौन कौन से हमको इवेल्यूएशन को देखना है ठीक है तो सबसे पहले देखते हैं हम ऑन द बेसिस ऑफ अप्रोचेज अप्रोच जो है उसके बेसिस पर आपका क्वान्टिटेटिव और क्वालिटेटिव हो जाता है ये मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी फेजेज ऑफ इंस्ट्रक्शन के बेसिस पर किस तरह से इंस्ट्रक्शन हो रहा है ड्यूरिंग द टीचिंग हो रहा है आफ्टर टीचिंग हो रहा है बिफोर टीचिंग हो रहा है ये आपका फेजेज uh, होते हैं तो प्लेसमेंट जो है वो आपका एंट्री लेवल का इवेलुएशन होता है यानी कि जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप आई में एंट्रेंस आईआईटी uh, में आप जाना चाहते हैं फिर इंजीनियरिंग आप करना चाहते हैं तो आप आईआईटी का एग्जामिनेशन देते हैं जैसे आप मेडिकल कॉलेजेस में पढ़ना चाहते हैं डॉक्टर बनना चाहते हैं तो आप नीट का एग्जामिनेशन देते हैं दिस इज योर प्लेसमेंट या फिर एंट्री लेवल इवेलुएशन तो जो पेपर आपको मिलता है वो इवेलुएट करने के लिए होता है कि क्या ये बच्चा मेडिकल कॉलेजेस में पढ़ सकता है क्या ये बच्चा इंजीनियरिंग कर सकता है क्या ये बच्चा मैनेजमेंट का बच्चा बन सकता है तो वो चेक करने के लिए हम क्या कौन सा करते हैं प्लेसमेंट इवेलुएशन फॉर्मेटिव और डायग्नोस्टिक आपका ड्यूरिंग द इंस्ट्रक्शन होता है यानी कि पढ़ाने के दौरान किया जाता है फॉर्मेटिव का क्या मतलब होता है ये आपका रचनात्मक मूल्यांकन होता है इसमें हम क्या करते हैं जो भी क्लास चल रही है उसमें हम इनफॉर्मल तरीके से यानी कि अनौपचारिक तरीके से हमने इवेलुएट कर लिया कि चलो इस क्वेश्चन का आंसर बताओ ठीक है आपने मुझे बता दिया तो क्या मैंने आपको कोई पेन पेपर कोई प्रॉपर टेस्ट करवाया या बोला कि इस तारीख को इस दिन इतने बजे क्लास में आ जाना मैं टेस्ट लूंगी नहीं ऐसा कुछ भी नहीं था यानी कि आपका अनौपचारिक तरीके से इनफॉर्मल तरीके से जो है वो टेस्ट लिया गया क्लास के दौरान ही बस मैंने पूछ लिया आपसे कि आपको समझ में आया कि नहीं या चेक करने के लिए या फिर आपका फीडबैक जानने के लिए कि भाई आपको सब कुछ समझ में आ रहा है या नहीं तो फॉर्मेटिव वैल्यूशन इनफॉर्मल होता है और फीडबैक ओरिएंटेड होता है डायग्नोस्टिक वैल्यूएशन हम करते हैं कि अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम आ रही है समझने में चीजों को वो पता लगाने के लिए डायग्नोस किया जाता है जैसे हम डॉक्टर डॉक्टर के पास जाते है। कहते है भाई हमको जो है वो 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 या फिर हमको ये जो जो है 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 डॉक्टर ने बोला करने के लिए तो तो जब हम करते हैं तो diagnostic टेस्ट किया जाता है। समेटिव जो होता है, वो आपका योगात्मक मूल्यांकन होता है ये आपका एंड में होता है सबसे ज्यादा एनुअल एग्जामिनेशन बेसिकली और इसको हम एक्सटर्नल इवेल्युएशन भी कहते हैं ठीक है तो ये सब कुछ हो जाने के बाद पढ़ा वढ़ा लिया हमने अब हमने चेक करने के लिए आपका समेटेव एवैलेशन कर लिया है अगर हम नेचर ऑफ रेफरेंस की बात करेंगे कोई एक स्टैंडर्ड हमने कोई रेफरेंस वैल्यू ले रखी है उसके हिसाब से नॉर्म रेफरेंस होता है जिसमें हम दो स्टूडेंट्स को आपस में कंपेयर करते हैं कंपेयरिंग द स्टूडेंट्स आपस में उस बेसिस पर जब हम देखते हैं तो हम नॉर्म रेफरेंस टेस्टिंग करते हैं फॉर एग्जाम्पल परसेंटाइल जो होता है वो आपका नॉर्म रेफरेंस होता है कैसे क्योंकि परसेंटाइल हम देते हैं कि भाई अगर किसी का हंड्रेड परसेंटाइल है तो मतलब उससे अच्छा किसी और बच्चे ने किया ही नहीं है नंबर भले उसका सौ में से पचास हो किसी बच्चे का सौ में से पचास आया ही नहीं फोर्टी नाइन फोर्टी एट फोर्टी सेवन फोर्टी सिक्स इस तरह से तो क्योंकि वो बच्चा सौ में से तो पचास लेकर आया लेकिन बाकी बच्चों से सबसे आगे है तो उसको हमने हंड्रेड परसेंट टाइल दे दिया क्योंकि वो सबसे आगे है लेकिन नंबर पर अगर हम देखें परसेंटेज पर देखें तो वो पचास आया है उसका तो ये जो परसेंटेज वाला होता है वो होता है आपका क्राइटेरिया रेफरेंस जिसमें हम एक पर्टिकुलर नंबर कर देते हैं उस नंबर के बेसिस पर देखते हैं कि बच्चा कहाँ स्टैंड करता है जैसे किसी बच्चे का 100 में से 50 नंबर आया है तो ये 50% नंबर है ये इसका ओरिजिनल नंबर है कोई परसेंटाइल नहीं है इसका खुद का है तो क्राइटेरिया में जो आपका रेफरेंस वैल्यू है वो है 100 दिस इज योर रेफरेंस वैल्यू ठीक है तो जो यहाँ पर लिखा है ना कि नेचर ऑफ रेफरेंस तो ये क्योंकि रेफरेंस वैल्यू है सौ नंबर और ये पचास नंबर पाए तो ये क्राइटेरिया हो गया यहाँ पर मान लो सौ स्टूडेंट्स हैं तो ये सौ स्टूडेंट्स जो हैं वो आपके रेफरेंस में रखे जाएंगे रेफरेंस वैल्यू रखा जाएगा फॉर नॉम रेफरेंस तो जब कंपेयर कर रहे हैं तो नॉम रेफरेंस होता है जब एक स्टैंडर्ड के साथ में देख रहे हैं तो वो क्राइटेरिया रेफरेंस होता है ठीक है यस yes. अच्छा ठीक है गुड़िया जाइए आराम कीजिए हाँ जी ग्रेड्स के बेसिस पर हमारे पास डायरेक्ट ग्रेडिंग, हो ग्रेडिंग होती है और इनडायरेक्ट ग्रेडिंग होती है डायरेक्ट ग्रेडिंग में क्या होता है आपको डायरेक्टली ग्रेड्स दे दिए जाते हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको मैंने बोल दिया ए इन डिसिप्लिन बी इन जो है रेगुलरिटी कुछ ऐसा इनडायरेक्ट ग्रेडिंग में क्या होता है हम पहले एक नंबर देते हैं उस नंबर के करस्पॉन्डिंग में हम कुछ ग्रेड्स प्रोवाइड करते हैं इस वजह से ये इनडायरेक्ट ग्रेडिंग हो जाती है दे तो हम ग्रेड ही रहे हैं लेकिन कुछ नंबर है उसके रेफरेंस में जो ग्रेड्स हैं वो प्रोवाइड कर रहे हैं जैसे आपका सी बी सी एस मोड होता है चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम इसमें आपका नंबर वैल्यू होता है और उस नंबर वैल्यू के रेफरेंस में ग्रेड्स होते हैं जो हम बच्चों को प्रोवाइड करते हैं ठीक है अच्छा फटाफट से इसको हिंदी में भी देख लेते हैं तो हमारे पास दृष्टिकोण के आधार पर मात्रात्मक और गुणात्मक है निर्देश के चरण के आधार पर स्थापन है रचनात्मक है डायग्नोस्टिक है और योगात्मक है तो ये आपका एंट्री लेवल का हो गया जब हम स्टार्ट कर रहे हैं रचनात्मक आपका फॉर्मेटिव एवैल्यूएशन हो गया जो हम क्लास के दौरान कर रहे हैं डायग्नोस्टिक भी वही हो गया इसको हम नैदानिक मूल्यांकन भी बोलते हैं इसका हिंदी ये होता है ठीक है और योगात्मक तो आपका एंड में होता ही है संदर्भ की प्रकृति के आधार पे आपका सामान्य संदर्भित हो गया और मानदंड संदर्भित हो गया ये मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ ग्रेड के आधार पर हमारे पास प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष ग्रेडिंग है ठीक है हाँ चलिए ओके वेरी गुड अभी क्या करना है फटाफट पड़ से एक क्वेश्चन कर लेते हैं <clears throat> चलो दिखाई दे रहा है सभी को क्लियर है ना या फिर मैं इसको थोड़ा सा ठीक है चलो अब बताओ तो ये मैच दो कॉलम में आपको ऑब्वियसली ऑलमोस्ट अराउंड सारे ही यहाँ पे दिख गए हैं हां जी <laughs> हाँ विश्व जल्दी हम मैं अभी आपको जो है वो स्टोर पे बैच दिख जाएगा ईवीएस का डोंट वरी पहले आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए <laughs> चलो ठीक है इसी हफ्ते करवा दूंगी अच्छा मैंने हाँ बिल्कुल चलो तो ए हंड्रेड परसेंट आ रहा है तो बिल्कुल सही बात है ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा देख लेते हैं कैसे फॉर्मेटिव एवैल्युएशन में जब हम बच्चों के साथ में इवेलुएट करते हैं तो हम क्वेजेज करते हैं और हम साथ ही साथ डिस्कशन करते हैं क्योंकि यहाँ पर फीडबैक की बात हो रही मैंने आपको बताया भी था कि हम फीडबैक लेते हैं स्टूडेंट से तो फीडबैक कैसे आएगा जब हम डिस्कशन करेंगे अगर हम चर्चा करेंगे ही नहीं डिस्कशन करेंगे ही तो क्या बच्चा हमसे बात करेगा नहीं तो डिस्कशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर बात करेंगे समेटिव इवेलुएशन की समेटिव आपका फाइनल लर्निंग आउटकम की बात करता है यानी कि अंतिम में जब हम बच्चे को वैल्युएट करते हैं तो बी का आपका हो जाएगा थर्ड तो ए का हो गया फोर्थ बी का हो गया आपका थर्ड ठीक है फिर सी का देख लेते हैं कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव वैलुएशन जो है वो आपके कॉग्नेटिव और को कॉग्नेटिव एस्पेक्ट दोनों को देखता है यानी कि जो भी आपकी संज्ञानात्मक या ज्ञानात्मक पक्ष हैं और जो आपके सह संज्ञानात्मक पहलू हैं दोनों का ही मूल्यांकन करने के लिए हम कंटिन्यूस और कॉम्प्रिहेंसिव वैल्यूएशन का इस्तेमाल करते हैं दैट मीन्स सी का हो गया आपका फर्स्ट ठीक है अच्छा नॉर्म और क्राइटेरिया रेफरेंस मैंने आपको बताया कि हम एक मापदंड यूज करते हैं एक रेफरेंस वैल्यू रखते हैं उस बेसिस पर हम चेक करते हैं या तो हम स्टूडेंट्स को स्टूडेंट से कंपेयर करते हैं या तो एक नंबर होता है जिसपे हम देखते हैं कि उसको कितने नंबर आए हैं उस नंबर में से सौ में से किसी बच्चे को एक तो मिलेगा नहीं सौ के अंदर ही मिलेगा यानी कि हमारे पास एक मापदंड है एक सर्टेन याद है जिसके हिसाब से हम उसको इवेलुएट कर रहे हैं तो आपका डी का क्या हो जाएगा डी का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर टू तो जिसके हिसाब से ए का फोर्थ बी का थर्ड सी का फर्स्ट और डी का सेकंड बन रहा है ऑप्शन नंबर ए ठीक है तो क्लियर हो गया आप सभी को हाँ अच्छा नहीं वो थोड़ा सा ऑप्शन में ना वैसा है कोड जो है ना वह कोडिंग थोड़ी सी गड़बड़ हो रखी है कोई दिक्कत नहीं है वैसे कोडिंग सही था बस वो थोड़ा सा इधर की तरफ अलाइंड था चलो अब हम लोग बात करेंगे लर्नर सेंट्रिक और टीचर सेंट्रिक मेथड्स के बारे में विच इज अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेथड मतलब कि इंपॉर्टेंट टॉपिक इन योर टीचिंग मेथड्स ऑफ टीचिंग तो बेसिकली हमारे पास दो तरीके के मेथड हैं एक है आपका लर्नर सेंट्रिक ठीक है और एक है आपका टीचर सेंट्रिक इसमें कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक होते हैं जो मैं आपको बताना चाहती हूँ लर्नर सेंट्रिक मेथड ऐसे मेथड्स या ऐसे मैथडोलोजीज होते हैं जहाँ पर लर्नर जो है वो एक्टिव है और जो टीचर है वो पैसिव है तो लर्नर इज एक्टिव टीचर इज पैसिव टी फॉर टीचर यानी कि यहाँ पर टीचर का काम सिर्फ और सिर्फ गाइड करने का और लर्नर का एक्टिवली उस चीज में पार्टिसिपेट करके खुद से चीजों को करने का है तो यहाँ पर लर्नर सेंट्रिक चीजें हो गई टीचर सेंट्रिक में क्या होता है एक्टिव कौन है यहाँ पर एक्टिव टीचर है और लर्नर जो है वो यहाँ पर पैसिव है दैट मीन्स लर्नर जो है वो पूरी की पूरी तरह से टीचर पर डिपेंडेंट होता है हर चीज जो है वो टीचर ही उसको प्रोवाइड करती है स्पून फीडिंग टाइप का होता है, है? है, ठीक अब learner -centric methodologies जो होती 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 हैं, 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 वो आपकी यानी यानी कि कि बच्चे बच्चे खुद खुद से से सीखते से discover कर रहे चीजों की खोज कर रहे हैं डिस्कवरी uh, हो, हो गया प्लस उनके अंदर बहुत ज्यादा इंक्वायरी या फिर वो बहुत ज्यादा जो है वो क्यूरियस uh, रहते हैं कैसे uh, जिज्ञासा उनके अंदर बहुत ज्यादा होती है चीजों को जानने के लिए ठीक है तो यहाँ पर और प्रॉब्लम सॉल्विंग को लेकर के काफी ज्यादा एक्टिविटी होती है खुद से प्रॉब्लम सॉल्व करना मतलब हमने असाइनमेंट दे दिए बच्चे को प्रोजेक्ट वर्क दे दिया बच्चे को या ब्रेन स्टॉमिंग सेशन हो गया फ्लिप्ड क्लासरूम हो गया ये सारी चीजें जो हैं होती हैं आपकी लर्नर सेंट्रिक मेथड होती है टीचर सेंट्रिक मेथड क्या होता है टीचर सेंट्रिक मेथड में जैसे टीचर के ऊपर ही बच्चा डिपेंडेंट है तो टीचर के लेक्चर्स को सुनेगा वो ठीक है टीचर जो डेमोन्स्ट्रेशन दे रही है उसको देखेगा जो जो उसको किया किया जा रहा है, जो प्रदर्शित किया जा रहा रहा प्रदर्शित है या फिर अगर हम बात करें टीम टीचिंग हो रही है तो टीचर जितने भी लेक्चर प्रोवाइड करते हैं उसको हम टीचर सेंट्रिक मेथड कहते हैं क्योंकि वहां पर कोई भी फीडबैक नहीं होता है एक इंपॉर्टेंट चीज देखना ल, टीचर सेंट्रिक मेथड का कोई फीडबैक नहीं होता है कहाँ पर जो आपका शिक्षक केंद्रित मेथड होता है और लर्नर सेंट्रिक मेथड में क्योंकि वहां पर डिस्कशंस हो रहे हैं प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है इंक्वायरी कर रहे हैं बच्चे तो वहां पर फीडबैक भी प्रेजेंट होता है ठीक है हाँ <laughs> अच्छा अब इसको देख लेते हैं हम क्या क्या तरीके हैं जिससे हम देख सकते हैं पहले इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लेते हैं ठीक है चलो ये तो इंग्लिश हिंदी ऊपर नीचे हो गया चलो कोई बात नहीं पहले हिंदी वाले बच्चे देख लें बुराई है क्या इसमें पहले हिंदी भी तो हम देख सकते हैं चलो कितने होते हैं आपके लर्नर सेंट्रिक और टीचर सेंट्रिक मेथड फटाफट से एक बार बता देंगे मुझे हाँ इसके फोल्डिंग समझा दू ठीक है बता दूंगी पहले आप लोग इसका आंसर बताइए अध्यापक केंद्रित शिक्षार्थी केंद्रित और अधिगम केंद्रित ये आपका यूजीसी नेट में पूछा हुआ क्वेश्चन है हिंदी वाले बच्चे देख लें उसके बाद इंग्लिश वाले बच्चों को भी दिखाया जाएगा ठीक है ये देखो <laughs> चलो इसको समझने की कोशिश करते हैं एक बार ठीक है चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं एक बार अगर हम बात करें टीचर सेंटर्ड मेथड की तो टीचर सेंटर्ड मेथड का क्या मतलब होता है यहां पर आप सब कुछ टीचर के हिसाब से कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू तो टीचर है ना सब कुछ टीचर के अकॉर्डिंग हो रहा है यानी आप पर चीजों को इम्पोज किया जा रहा है कि बेटा ऐसे करो ये चीज ऐसे होगी ऐसे होनी चाहिए ठीक है आप फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड नहीं हो रही है आपको अपने हिसाब से चीजों को नहीं देखने को मिल रहा है आप बिल्कुल डिपेंडेंट हो टीचर पे और जो टीचर आपसे बता रही है वही चीजें आप कर रहे हो तो यानी टीचर सेंटर्ड मेथड कैसा हो जाएगा इम्पोज यानी आपको करवाया जा रहा है ये चीज दैट मीन्स का हो जाएगा सेकेंड का सेकेंड कहाँ आ रहा है फर्स्ट और सेकेंड में तो आ ही नहीं रहा है तो जितने भी स्टूडेंट्स फर्स्ट और सेकेंड प्रोवाइड कर रहे हैं ए और बी बोल रहे हैं वो तो गलत हो गया ना अब बच्चा आपके पास थर्ड और फोर्थ ऑप्शन फिर आता है आपका लर्नर सेंटर्ड लर्नर सेंटर्ड में क्या होता है बहुत सारे लर्नर्स होंगे ठीक है तो लर्नर सेंटर्ड मेथड जो होता है वो आपका एक और कीवर्ड आता है यहां पर जिसको हम कहते हैं कोऑपरेटिव लर्निंग ठीक है या फिर एक और मेथड होता है पियर्स शेयरिंग तो यहां पर हम डिस्कशन कर रहे हैं तो जब हम किसी चीज में डिस्कशन कर रहे हैं चीजों को समझने की कोशिश कर रहे हैं दैट मीन्स वो पार्टिसिपेटरी हो गया दैट स वो शेयर्ड हो गया तो लर्नर सेंटर्ड कैसा होगा किस एस्पेक्ट पर हम देख रहे हैं इसको इसको हम शेयर्ड या फिर पार्टिसिपेटरी एस्पेक्ट पर देख रहे हैं तो बी का हो जाएगा फर्स्ट यानी थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा और लर्निंग सेंटर्ड मतलब जो आपका अधिगम है वो आपका सेल्फ कंट्रोल्ड है क्योंकि ये आप खुद से देख रहे हो ठीक है लर्निंग आपकी खुद से हो रही है दिस इज सेल्फ कंट्रोल्ड दैट इज वाई थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर है ना जी बिल्कुल तो यहां से हमने इस क्वेश्चन से भी बहुत सारी चीजें सीखी हैं। दैट इज वाई पी वाई क्यूज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चलो इस क्वेश्चन का आंसर बताओ या फिर ये भी कर सकते हैं हम एक बार इसको करते हैं फिर करते हैं उस क्वेश्चन ब्रेन स्टोर्मिंग से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं इसको देने वाले कौन है हु हैज गिवन द ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन हु फिर हु उनका नाम भी बता दीजिए ब्रेन स्टॉमिंग मेथड ऑफ टीचिंग साइबर साइबरनेटिक्स रिलेटेड टू फीडबैक ओके चलो 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 देखो देखो क्वेश्चन देखो आई आई मूव दसाइड ठीक है ओके okay.

which of the following statements best describes brainstorming method of teaching production of large number of ideas small step presentations with feedback provided content delivery in a lucid language theme-based interaction among participants <coughs> thank you vishakha hanji तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर वन प्रोडक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ आइडियाज़ तो ब्रेन में हम क्या करते हैं बहुत सारे आइडियाज को पिच करते हैं जब तक वो आइडियाज यूज ना हो जाए इसको देने वाले कौन है एलेक्स ऑजबोर्न इनका नाम भी याद रखना ठीक है चलो अभी एक और क्वेश्चन कर लेते हैं

तो हेल्प करके पढ़ाना सपोर्ट के थ्रू समझना इज इसके फोल्डिंग जो कि एक बहुत ही प्रॉपरली यूज टर्म है आपके वाई की थियोरी ऑफ प्रॉक्सिमल जोन ऑफ डेवलपमेंट समीपस्थ विकास का क्षेत्र जिसमें यह बोला गया है कि जब हम कोई लर्नर होता है वो चीज़ नहीं कर सकता कांट डू उसको जब हम हेल्प कर देते हैं या स्के फोल्डिंग कर देते हैं उसकी या फिर उसको सपोर्ट कर देते हैं तो सपोर्टिव लर्निंग जो है उसको हम स्केफोल्डिंग कहते हैं जो कि वाई की थ्योरी में भी मैंशनड है तो ये होता है आपका स्केफ फोल्डिंग चलो ठीक है और लर्नर सेंटर्ड अप्रोच सेंटर्ड ऑन टीचर नीड्स बिल्कुल गलत है ये आपके लर्नर के नीड्स पर होता है इसीलिए वो आपका लर्नर के हिसाब से चीजें चलती हैं स्टेटमेंट सही है स्टेटमेंट टू सही है क्योंकि वो cooperative learning है जिसमें हम shared या फिर participatory learning करते हैं तो शेयर ऑप्शन फोर्थ विल बी आंसर ठीक है चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इससे रिलेटेड <clears throat> जी इसका आंसर बताइएगा स्टूडेंट्स वॉच एंडल स्टूडेंट्स वॉच एंड लिसन टू दीडियोज ऑफ अ लेक्चर बिफोर कमिंग टू द क्लास किस चीज का एग्जाम्पल है लेक्चर मेथड का फ्लिप्ड क्लासरूम का प्रोग्रामड लर्निंग का प्रोजेक्ट मैथड का यह अच्छा था के फोल्डिंग का ट्रिक है स्कार्फ को फोल्ड करने में मदद करना बिल्कुल बहुत बढ़िया अच्छी ट्रिक बताई चलो ठीक है तो ये आपका फ्लिप्ड क्लासरूम हो जाता है लेक्चर मेथड के लिए हमको ल्यूसिड लैंग्वेज की ज़रूरत है यानी कि हमको बहुत ही फ्री फ्लो तरीके से बोलना होता है ताकि बच्चे को हर एक चीज़ समझ में आ जाए तो लेक्चर मेथड भी लेक्चर भी प्रोवाइड करने का एक तरीका होता है जिसमें हम ल्यूसिड लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं द वे वी टॉक द वे वी प्रेजेंट आवर सेल्फ इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जब हम लेक्चर मेथड की बात करते हैं फ्लिप्ड क्लासरूम क्योंकि पलटी कक्षा हो जाती है जिसमें हम घर पर बैठ के वीडियो लेक्चर्स देखते हैं और क्लास में आकर के उसी चीज पर हम डिस्कशन करते हैं तो ये भी आपका कैसा हो जाता है लर्नर सेंट्रिक मेथड है साथ ही साथ ही आपका एल है लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम साथ ही साथ ही आपका ब्लेंडेड लर्निंग है ब्लेंडेड लर्निंग का मतलब होता है जिसमें हम ऑफलाइन और ऑनलाइन को मिक्स कर देते हैं ब्लेंड कर देते हैं ठीक है तो ये सारी चीजें हो गई लर्निंग आपकी जो है वो दो तरह की होती है एक होता है आपका लीनियर प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन एक होता है आपका ब्रांच ठीक है लीनियर प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन आपका बी एफ स्किनर के द्वारा दिया गया था इससे भी क्वेश्चन आया है यहाँ पर हम इस तरह से चलते हैं फ्रॉम वन टू थ्री वन टू 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 थ्री फोर इस तरह से ठीक है लीनियरली एक पैटर्न में चलते हैं ब्रांच जो है वो नॉर्मल एक क्राउडर ने दिया था आपका ठीक है और यहाँ पर हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एमसी क्यूस टाइप के तरीके से चीजों को देखते हैं तो ये आपका ब्रांच हो जाता है प्रोजेक्ट मेथड जो है उसमें दो लोगों का नाम आता है एक आता है आपका डी का ठीक है जॉन डीवी और एक आता है आपका किल पैट्रिक का तो ये जो मेथड है वो डेवलप किया था जॉन डीवी ने और इसको मतलब बताया था इन्होंने प्रपोज इन्होंने किया था और इसको डेवलप किया एज अ टीचिंग मेथड वो टीचिंग मेथड में इनको जो डेवलप किया था वो था किल पैट्रिक ठीक है तो किल पैट्रिक ने इसको एज अ टीचिंग मेथड डेवलप किया प्रपोज करने वाले थे जॉन डीवी प्रोजेक्ट मेथड आपका लर्निंग बाई डूइंग वाले सिद्धांत को फॉलो करता है ठीक है तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्लिप्ड क्लासरूम यानी ऑप्शन नंबर टू विल बी द राइट आंसर अब बात करते हैं हम लोग ब्लूम की टैक्सोनॉमी की ब्लूम की टैक्सोनॉमी देखें तो तीन लेवल पर चलती है सबसे पहला लेवल है आपका मतलब तीन लेवल है बेसिकली कौन कौन से तीन डोमेन है इसको देख लेते हैं हाँ तीन डोमेन जो है वो है आपका कॉग्निटिव डोमेन ठीक है फिर है आपका इफेक्टिव डोमेन और है आपका साइकोमोटर डोमेन क्या है ये सारी चीजें देख लेते हैं ग्नेटिव जो है वो आपकी दिमाग या बुद्धि से एसोसिएटेड है ज्ञान ज्ञान से एसोसिएटेड है ठीक है उसके अलावा अगर हम बात करें इफेक्टिव तो ये आपका भावात्मक है

अब देख लेते हैं हम कॉगनेटिव डोमेन की सबसे पहले बात करते हैं कल कम्युनिकेशन की यूनिट स्टार्ट होगी सबसे पहले देखेंगे कि जो आपका पहला कोग्नेटिव डोमेन था जो 1956 में था जो कि ब्लूम की टैक्सोनॉमी पे बेस था वो नाउन बेस था उसके बाद 2001 में इसको रिक्रिएट किया गया था और इसको वर्ब फॉर्म में क्रिएट कर दिया गया था तो सबसे पहले ये क्या था यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाते हैं आपके नॉलेज यानी ज्ञान कॉम्प्रिहेंशन यानी बोध एप्लीकेशन मतलब किसी चीज को लागू करना एनालिसिस मतलब विश्लेषण सिंथेसिस मतलब सभी चीज को जोड़ ले लेना और इवेल्युएशन मतलब उस चीज का मूल्यांकन करना तो ये आपका इंक्रीजिंग लेवल है दैट मीन्स ये सबसे लोअर लेवल पर है ये लो लेवल की बात कर रहा है और ये आपके हाइयर लेवल ऑफ कॉग्निशन की बात कर रहा है तो जब भी आपको कोई भी ट्राइंगल शेप में कोई चीज दिखती है ट्राइंगुलर तो उसका बेस जो होगा ना वो हमेशा लो लेवल का होगा और जो उसका टॉप एपेक्स होगा वो हमेशा अपर लेवल की बात करेगा ये मैंने हमेशा आपको बताया है ठीक है अच्छा वर्ब फॉर्म में क्या हुआ उन्होंने क्या बोला रिमेंबर सबसे पहले चीजों को याद करना यानी इसमें क्या हो रहा है हमने देखा भी है मेमोरी लेवल में याद करना मतलब सबसे थॉटलेस प्रोसेस है बस रटे जा रहे हैं रटे जा रहे हैं अंडरस्टैंड अगेन हम उस चीज को थोड़ा और समझने की कोशिश कर रहे हैं बुद्धि का इस्तेमाल हो रहा है अब हमने समझने के बाद उस चीज़ को रियल लाइफ में अप्लाई भी कर दिया लागू भी कर दिया लागू करने के बाद हम उस चीज़ को एनालिसिस कर रहे हैं विश्लेषण कर रहे हैं जिसके लिए हमको और दिमाग की ज़रूरत है देन देन इज इवेलुएट यानी चीज़ों को मूल्यांकन करना कि क्या हम चीज़ों को सही से कर रहे हैं या अपने आप को सेल्फ इवेलुएट करना अगेन यहाँ पर आपकी बुद्धि का और ज़्यादा स्तर जो है वो बढ़ जाता है और सबसे ऊपर आता है क्रिएट करना यानी कि जैसे फॉर एग्जाम्पल जब आप एब्स्ट्रैक्ट थाट्स को सोचते हैं इमेजिनेटिव चीज़ों को करते हैं इमेजिन करके किसी ने कुछ बढ़िया सा किसी का पोर्ट्रेट बना दिया आपने इमेजिन किया विराट कोहली कैसा दिखता है और उस बेसिस पर आपने उसका पोर्ट्रेट क्रिएट कर दिया या फिर फॉर एग्जाम्पल आपने कोई कविता लिख दी अपने इमेजिनेशन पर तो ये चीजें जब हम कोई चीज़ नई बनाते हैं या क्रिएट करते हैं तो उसको हम सबसे अपर लेवल पर रखते हैं जो कि आपका क्रिएट होता है उसको याद करने का तरीका क्या है क्योंकि हमको एग्जामिनेशन में इसके इसको अरेंज करने के लिए आएगा तो आपको याद कैसे करना है आर यू App एन ई सी इसको इस तरह से याद करना है ठीक है क्वेश्चन पूछना है कि आर यू ऐप एन ई सी क्या तुम ऐप एन ई सी हो ठीक है आर यू एन ईसी इसको ऐसे भी याद कर सकते हो तो इस तरह से हमने इसको समझ लिया एक क्वेश्चन था आपके एग्जाम में आया था देखते हैं अगर आई हैव दैट क्वेश्चन तो मैं आपको करवाना चाहूंगी दैट विल हेल्प यू एक्चुअली <laughs> हा uh, ये क्वेश्चन था एक बार इसको देखो ये इन अ वे इनडायरेक्टली ब्लूम टैक्सोनॉमी से ही एसोसिएटेड है हाँ चलिए बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ हायर ऑर्डर ऑफ कॉग्नेटिव लर्निंग आउटकम शुमेला, uh, शुमेला में आप लोगों को हायर एजुकेशन कम्युनिकेशन और पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट भी पढ़ाती हूँ अपार्ट फ्रॉम टीचिंग एप्टीट्यूड यस, वेरी गुड तो अभी मैंने आपको एब्स्ट्रैक्शन के बारे में बताया एब्स्ट्रैक्ट चीजों के बारे में बताया तो लर्निंग ऑफ कॉन्सेप्ट एंड एबस्ट्रैक्शन जो हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा हायर लेवल ऑफ कॉग्नेटिव डोमेन में हो जाएगा ठीक है Fact आपका लोअर लेवल पर आ जाता है जब हम किसी चीज़ को रिमेंबर करते हैं याद करते हैं अब हम बात करेंगे effective domain के बारे में। ठीक है इफेक्टिव डोमेन में आपका क्या क्या आता है देख लेते हैं एक बार सबसे नीचे की तरफ आता है आपका रिसीव करना किसी चीज को प्राप्त करना उसके बाद रिस्पॉन्ड करना मतलब उस चीज को लेकर के आपका क्या रिस्पॉन्स uh, है आप क्या आप कहना चाहते हो फिर आता है वैल्यू करना फिर उस चीज़ को ऑर्गेनाइज करना और फिर आपका चरित्र निर्माण होता है दैट इज योर कैरेक्टराइजेशन तो इसको याद करना था आर स्क्वायर वी ओ सी से ठीक है रिसीविंग रिस्पॉन्डिंग वैल्यूइंग ऑर्गेनाइज ऑर्गेनाइजेशन एंड कैरेक्टराइजेशन अब एक क्वेश्चन आया था इससे रिलेटेड इफेक्टिव डोमेन का जिसको फटाफट कर लेते हैं ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है ना वो पक्का हो जाए और वो क्वेश्चंस के माध्यम से ही हो सकता है ठीक uh, है ये वाला विच ऑफ फॉलोइंग एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव आर कंसिडर्ड टू बी हायर लेवल इन दफेक्टिव डोमेन ऑफ टेक्सोनॉमिक स्कीम कौन सा आपका भावात्मक क्षेत्र में सबसे उच्च स्तर के माने जाते हैं सिंथेसिस कैरेक्टराइजेशन एनालिसिस ऑर्गेनाइजेशन और प्रसेशन ए बी सी डी ई अभी देखो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है सिंथेसिस को अगर आप देखेंगे ठीक है तो सिंथेसिस तो हमने देखा है कॉग्नेटिव में है है ना पुराने वाले में तो ये तो आपका होगा नहीं तो एक को आप एलिमिनेट कर सकते हैं यहां से फर्स्ट ऑप्शन चला जाएगा ठीक है एनालिसिस भी हमने सेम कॉग्नेटिव में ही देखा है तो एनालिसिस को भी हटा देंगे आप सी ऑप्शन भी चला गया अब बचा थर्ड और फोर्थ ऑप्शन प्रसिशन आपका किस में आता है साइको मोटर में आता है तो हम ई e को भी हटा देंगे देअ हमारे पास बचेगा क्या कैरेक्टराइजेशन और ऑर्गेनाइजेशन अगर आपको नहीं भी आता है तो आप एलिमिनेट करके या सिलेक्ट करके भी इस क्वेश्चन को कर सकते थे ये वेरी गुड सो बी और डी जो है वो आपका करेक्ट आंसर यहाँ से बन जाएगा नेक्स्ट बात करते हैं हम साइको मोटर डोमेन की ब्लूम्स uh, एक्सोनॉमी में विच इज योर लास्ट Uh, इसको हम अच्छा ये तो वो वाला हो गया ना ये तो आपका गया। गया। साइको मोटर डोमेन ठीक है तो साइको मोटर डोमेन में आपका सबसे नीचे की तरफ आता है इमिटेट करना यानी कि नकल करके सीखना जो छोटे बच्चे होते हैं वो नकलची होते हैं वो सुनते हैं वो कार्टून देखेंगे और वैसे ही बोलने लगते हैं आप लोगों ने देखा होगा घर पे जो छोटे बच्चे होते हैं वो अगर आप उनको कोई भीम की शक्ति ऐसा वाला कोई कार्टून दिखा दो या कुछ भी ऐसा कर दो तो वो वैसे ही बनने लगते है कि हमको भी लड्डू खाना एंड थिंग्स लाइक दैट तो इमिटेट करना यानी नकल करके सीखना जो है वो आपका साइकोमोटर डोमेन में सबसे नीचे लेवल पर आता है और सबसे हायर लेवल पर अपर लेवल पर आता है आपका नेचुरलाइजेशन का क्या मतलब होता है कि आप किसी चीज़ इस्तेमाल हो हो कि तो कर रहे हैं uh, है, दिमाग और आपका बेसिकली आपके मोटर जो रिस्पॉन्स हैं उनको चेक करने के लिए साइको मोटर डोमेन का इस्तेमाल होता है तो so, जैसे फॉर एग्जाम्पल कि बच्चे को हम uh, हाँ जैसे मान लो आप टाइपिंग करना सीख रहे हो तो आप अब इतने इतना आपने प्रैक्टिस कर लिया कि बिल्कुल आपका वो नेचुरली नेचुरल इंस्टिंक्ट हो चुका है कि आप उस चीज़ को कर सकते हो बड़े आराम से आपको किसी एफर्ट की ज़रूरत ही नहीं है तो सबसे नीचे आता है इमिटेटिंग फिर आता है मैनिपुलेटिंग फिर आता है प्रिसाइज प्रिसन यानी कि आप एकदम उस चीज़ में प्रिसाइज हो रहे हो पर्टिकुलर हो रहे हो कि उस चीज़ को हम ऐसे ही करेंगे समझने के लिए और ज़्यादा अपने स्किल्स को बढ़ाने के लिए आर्टिक्यूलेटिंग मतलब बहुत सारे स्किल्स को एक साथ ला करके जोड़ना आर्टिक्यूलेट करना और फिर नेचुरलाइजेशन जो आपका नेचुरल नेचर हो जाता है आप इतने ज्यादा ट्रेंड हो जाते हो उस चीज में ठीक है तो दैट इज योर नेचुरलाइजेशन अगर हम साइकोमोटर में इमिटेट करने की बात करें तो हम मान लो आपका कोई टीचर है जो आपको ट्रेन कर रहा है किसी पर्टिकुलर चीज़ में तो पहले आप उसको देख कर सीखते हो कि वो कैसे कर रहा है जैसे फॉर एग्जाम्पल डांस स्टेप्स मान लीजिए कि आपके घर में कोई संगीत या शादी है ठीक है हाँ अगर आपके घर में कोई संगीत या शादी है और आपकी मम्मी आपको बता रही है कि बेटा हम ये वाले गाने पर डांस करेंगे मम्मी और बच्चा जो है वो पेर करके डांस करेंगे या फिर आप जो है वो कोई YouTube वीडियो देख करके सीख रहे हैं तो आप इमिटेट कर रहे हैं नकल कर रहे हैं उस स्टेप को सीखने के लिए धीरे धीरे आप क्या करते हो डांस इज द बेस्ट एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड द साइकोमोटो डोमेन फिर आप क्या कर रहे हो अपने हिसाब से भी चीज़ों को थोड़ा बहुत देख रहे हो मैनिपुलेट कर रहे हो स्टेप्स को जो आपको बहुत टफ लग रहे हैं उनको आप थोड़ा सा ईजी कर रहे हो क्योंकि आप वो नहीं करना चाहते हो प्रिसाइज प्रिस मतलब आप अब आप बिल्कुल शार्प हो रहे हो कि आपके जो टर्नस आने चाहिए वो बहुत बढ़िया आने चाहिए आपका एक एक स्टेप बढ़िया आना चाहिए एक्सप्रेशंस अब आर्टिकुलेट करना मतलब पूरे गाने में जो आपने डिफरेंट डिफरेंट स्टैंडास को जो प्रैक्टिस किया उसको फिर एक साथ ला कर के परफॉर्मेंस के दिन आपको अच्छा करना उसके लिए आप प्रैक्टिस करेंगे सारा सब कुछ जितने भी आपके डांस स्टेप्स हैं उनको एक साथ ले करके आएंगे तो ये हो गया फिर आप जब स्टेज पर जाएंगे जिस दिन संगीत है उस दिन तो बिल्कुल नेचुरली आपके एक्सप्रेशन आपके हाव भाव आपका डांस जो है वो बहुत परफेक्ट बढ़िया हो जाएगा सो दिस इज़ योर परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ मोटर डोमेन जिसमें आप स्किल्स या मोटर रिस्पॉन्सेस को लेकर के चीजें देखते हो ठीक है तो ये आपका इसको याद करने का जो तरीका है दैट इज आई एम पैन आप पैन हैं, मैं पैन हूं आई एम पैन ठीक है पैन हो उस पर रोटी वोटी बना लो ठीक है तो ये आपका डोमेन हो गया अब हम बात कर लेते हैं टीचिंग एड्स के बारे में क्या क्या टीचिंग एड्स होते हैं टीचिंग एड्स का क्या मतलब होता है टीचिंग में हेल्प करने वाली जो चीजें होती हैं ठीक है थीके? हाँ ओके <laughs> okay. तो टीचिंग एड्स का मतलब होता है शिक्षण में जो आपकी मददगार सामग्री होती है इससे होता क्या है कि टीचर को भी हेल्प मिलती है सम... बच्चों को चीजें समझाने में और बच्चों को भी आसानी होती है चीजों को समझने में अब इसमें आपके अलग अलग एड्स आ जाते हैं अलग अलग सामग्री आ जाती हैं जैसे एक आता है आपका ऑडियो एड ऑडियो एड में हम सिर्फ और सिर्फ सुनने का इस्तेमाल करते हैं जैसे पॉडकास्ट रेडियो सेट टेलीफोन या फिर ऑडियो प्लेयर्स जो कि सिर्फ सुनी जा सकती हैं देखी नहीं जा सकती हैं ये आपका ऑडियो एड हो गया उसके बाद विजुअल एड में क्या होता है यू कैन सी दीज थिंग्स यू कैन ओनली सी बट यू कैन नॉट हियर आप देख सकते हो बस बट वो चीज़ बोल नहीं रही है जैसे स्लाइड्स जैसे ये जो स्लाइड है ये मैं स्लाइड चला रही हूँ ये स्लाइड वैसे तो उसमें चीजें लिखी हुई हैं लेकिन बोलकर मैं आपको समझा रही हूँ तो विजुअली अगर आप देखोगे तो आप स्लाइड देख रहे हो पोस्टर्स होते हैं फ्लैश कार्ड हैं माइंड मैप्स हैं ये सब कुछ आपके विजुअल एड्स में आ जाते हैं जिनको आप देखकर समझने की कोशिश करते हैं या फिर टीचर को हेल्प मिलती है इन चीज़ों से बच्चों को चीज़ें बेटर समझाने में फिर आता है आपका ऑडियो विजुअल एड इसमें आप देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं जैसे कि पपेट्स कटपुतली के रूप में चीज़ों को समझाना जैसे गली गली सिम सिम छोटे बच्चों के लिए समझाने का सिखाने का बेस्ट कार्टून फिल्म्स कार्टून ड्रामा ऑनलाइन वीडियोज ये सारे आपके ऑडियो विजुअल एड्स होते हैं ठीक है फिर आता है आपका प्रोजेक्टेड मेथड और नॉन प्रोजेक्टेड मेथड प्रोजेक्टेड मेथड वो मेथड होते हैं जिसमें हम एज टीचिंग एड्स प्रोजेक्टर का इस्तेमाल करते हैं कैमरा का या फिर ओवरहेड प्रोजेक्टर का या फिर हम किसी स्क्रीन पर किसी चीज को शोकेस करके आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं जैसे ये क्लास भी एक तरह से प्रोजेक्टेड लर्निंग है क्योंकि हम कैमरा के थ्रू इस स्क्रीन को आपके स्क्रीन पर प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं ठीक है हाँ देन इससे क्या होता है बच्चों में इंटरेस्ट पैदा होता है जो रुचि है वो जगती है ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा इन्वॉल्व होना चाहता है एंगेज होता है ठीक है आम... जैसे स्लाइड्स हो गए आपके फिल्म स्ट्रिप्स हो गए ये सारे आपके प्रोजेक्टेड एड्स हो जाते हैं पीडिया स्कोप हो गया आपका या फिर आपके ओवरहेड प्रोजेक्टर्स हो गए वो आपकी प्रोजेक्टेड हो जाती है नॉन प्रोजेक्टेड में जैसे आपके पोस्टर्स uh, हो जाते हैं या फिर आपके मैप हो जाता है मैप आपका या फिर ग्लोब होता है वो आपका थ्री नॉन प्रोजेक्टेड एड हो जाता है तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपकी नॉन प्रोजेक्टेड होती है एनी जो प्रोजेक्ट नहीं हो रही जिसमें कैमरे का इस्तेमाल नहीं हो रहा जिसमें स्क्रीन का इस्तेमाल नहीं हो रहा है वो आपका नॉन प्रोजेक्टेड हो जाता है इनफैक्ट अगर आप एक्टिविटीज पे फील्ड ट्रिप्स पे जाते हो या फिर आप किसी एजुकेशनल ट्रिप पे जाते हो तो वो भी काइंड ऑफ टीचिंग एड ही है जिसमें हम बच्चों को हेल्प करते हैं समझने में चीज़ों को प्रैक्टिकल इन्वॉल्वमेंट देने के लिए लेकिन वो भी आपका नॉन प्रोजेक्टेड एड होता है ठीक है चलो अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करो फटाफट एजुकेशनल टेक्नोलॉजी और टूल हाँ जी हम्म हाँ ये यहां पर मैं सारी चीजें कंप्लीट करने की कोशिश कर रही हूँ विजुअल प्रिंट विजुअल नॉन प्रोजेक्टेड थ्री डी ऑडियो विजुअल प्रोजेक्टेड मल्टी सेंसरी पैकेज हिंदी भी देख लेते हैं इसको हम्म हाँ चलो ठीक है अब देखते हैं इसमें <laughs> विजुअल प्रिंट में क्या हो रहा है आपका न्यूज़पेपर आ रहा है क्योंकि एक तो आप इसको देख सकते हो और पढ़ सकते हो बट सुन नहीं सकते तो विजुअल आपका का हो जाएगा फोर्थ का फोर्थ है आपका सिर्फ यहां पर तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा विजुअल नॉन प्रोजेक्टेड थ्री में आपका ग्लोब आ जाएगा ऑडियो विजुअल प्रोजेक्टेड में आपका टेलीविजन आ जाएगा मल्टी सेंसरी पैकेज में आपका टेली कॉन्फ्रेंसिंग आ जाएगा ठीक है तो ये क्वेश्चन आया भी हुआ था आपके एग्जामिनेशन में अब हम कर लेते हैं एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मैंने आपको बताया भी था कि हम पढ़ेंगे इस क्लास में बिकॉज दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो कि है आपका लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम ठीक है चलिए <laughs> देखो लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम होता क्या है सबसे पहले तो ये समझेंगे ये एक सॉफ्टवेयर है ठीक है अब आपको पता है कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दो कंपोनेंट्स होते हैं फॉर एग्जांपल दिस इज अ हार्डवेयर ठीक है एंड अगर हम बात करें सॉफ्टवेयर की तो सॉफ्टवेयर इज समथिंग जो आपके uh, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम है जैसे विंडोज इज इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम इट इज़ अ सॉफ्टवेयर जो कि आपके लॉजिकल फंक्शंस को करने के लिए या फिर जो भी फंक्शनैलिटीज़ हैं उनको इंटरनली प्रोसेस करने के लिए जो चीज़ें यूज होती हैं दैट इज सॉफ्टवेयर, ठीक है और जो हम कंपोनेंट्स यूज करते हैं इन ऑर्डर टू मेक दैट सॉफ्टवेयर वर्क वो होता है आपका हार्डवेयर ठीक है जो आप टच कर सकते हो जैसे कीबोर्ड मॉनिटर सीपीयू माउस ये सारे आपके हार्डवेयर कंपोनेंट्स है और उनमें यूज होने वाले जो आपके जैसे एंटीवायरस सॉफ्टवेयर हो गया या फिर आपका जो मदरबोर्ड हो गया उसमें जो चीज़ें यूज हो रही हैं दैट इज ऑल सॉफ्टवेयर ठीक है software, जो फंक्शंस कैरी करते हैं तो एल भी एक सॉफ्टवेयर है जिसको लर्निंग को अच्छा एफिशिएंट बनाने के लिए और सपोर्ट करने के लिए यूज किया जाता है इट इज़ अ कंप्लीट टीचिंग सॉल्यूशन वेर इंस्ट्रक्टर्स कैन अपलोड कोर्स कंटेंट, ठीक है वहां पर एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइडेड होता है जहां पर जो पूरा कोर्स है उसको हम अपलोड कर सकते हैं इंटरनेट की मदद से एंड लर्नर्स कैन एक्सेस इट थ्रू देयर प्रोफाइल और लर्नर्स का एक प्रोफाइल बना होता है जैसे व्हाट्सएप प्रोफाइल होता है ना कहते हो वेरी नाइस डीपी ठीक है तो वही प्रोफाइल होता है जो लर्नर्स का प्रोफाइल होता है वो जाकर के अपने कंटेंट को एक्सेस कर सकते हैं जैसे अर्डर ट्वेंटी फोर सेवन का अगर हम पेड एप्लीकेशन देखें एप्लीकेशन देखें उसमें जो पेड बैचेस हैं उसमें हमारे कोर्सेज जो हैं वो उनको बच्चों को बाद में रिकॉर्डेड देखते हैं लाइव देखते हैं वो अपने हिसाब से उस चीज़ों को कर सकते हैं ऑप्टिमाइज कर सकते हैं अपने लिए साथ ही साथ यहाँ पर क्या होता है एल में फेस टू फेस लर्निंग भी हो रही है जैसे मैं आपको फिफ्थ क्लासरूम में बता रही थी कि बच्चा जो है वो क्लासरूम में जाकर के डिस्कशन भी कर रहा है फेस टू फेस लर्निंग भी हो रही है साथ ही साथ उसको एक ऑनलाइन क्लास भी मिली हुई है वर्चुअल भी मिली हुई है जहाँ पर वो वीडियोस वगैरह अपलोडेड देख रहा है तो अपलोडेड वीडियोस भी देख रहा है और जाकर के सेशंस भी ले रहा है क्लासरूम में जा के तो ये आपका ब्लेंडेड लर्निंग होता है जिसमें हम ऑफलाइन और ऑनलाइन को मिक्स कर देते हैं इससे टीचिंग बहुत एफिशिएंट होती है लर्निंग को सपोर्ट मिलता है और लर्निंग भी अच्छी होती है स्टूडेंट्स की काइंड ऑफ नया तरीका है ये एक नॉन कन्वेंशनल अप्रोच है यानी कि गैर परंपरागत अप्रोच है ये पढ़ने की साथ ही साथ ये आपका लर्नर सेंट्रिक मेथड है अपार्ट फ्रॉम दैट इज ऑल्सो फैसिलिटेट कम्युनिकेशन ट्रैक्स प्रोग्रेस एंड कीटेंट डेटा ऑफ द स्टूडेंट्स साथ ही साथ ये बच्चों के इम्पोर्टेंट डेटा को भी मेनटेन करता है उनके प्रोग्रेस को भी ट्रैक करता है एवरी थिंग करता है ये क्योंकि ये एक आप समझ सकते हो सॉफ्टवेयर ड्रिवन प्रोग्राम चल रहा है जहाँ पर हम लर्निंग को बहुत ही अफिशियंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं ठीक है हाँ देन

इसमें क्या होता है आमने सामने सीखने और आभासी कक्षाओं दोनों का समर्थन करता है जिससे मिश्रित शिक्षा और ऑनलाइन शिक्षा दोनों हो रही है ब्लेंडेड लर्निंग इसके अलावा यह संचार की सुविधा भी देता है प्रगति को बच्चों के ट्रैक करता है और छात्रों के सभी महत्वपूर्ण डेटा का रिकॉर्ड भी रखता है जबकि यह प्रशिक्षकों को कुशलता से काम करने में मदद करता है या शिक्षार्थियों की ज़रूरतों को भी पूरा करता तो यह ओवरऑल डेवलपमेंट ओवरऑल मतलब पूरी सहायता करता है हेल्प करता है तो काइंड ऑफ ये भी आप कह सकते वो टीचिंग एड ही है ठीक है अब हम इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लेते हैं <coughs> इसको मैं थोड़ा सा हम्म आई थिंक इस क्वेश्चन का हिंदी नहीं होगा मेरे पास मैं समझा देती हूँ बट but... कहने की कोशिश कर रहा है कि लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है एक ऑनलाइन वातावरण देने के लिए टीचर और स्टूडेंट दोनों को ये पहला स्टेटमेंट कह रहा है मैं हिंदी वाले बच्चों को समझा रही हूँ क्योंकि क्वेश्चन हिंदी में नहीं है मेरे पास ठीक है दूसरा क्या, क्या, दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है एल एम एस यानी लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम को हम मिश्रित पढ़ाई यानी ब्लेंडेड लर्निंग के लिए और साथ ही साथ हम ऑनलाइन लर्निंग के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं मतलब यहाँ पर ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों हो रहा है ब्लेंडेड का मतलब ही होता है ऑफलाइन ऑनलाइन और यहाँ पर आपका ऑनलाइन लर्निंग है तो आप कोर ऑनलाइन लर्निंग कर सकते हो या फिर आप इसको ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों के यूज के लिए मिश्रित शिक्षण या ब्लेंडेड लर्निंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हो यस तो दोनों ही स्टेटमेंट आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा एक क्वेश्चन यहां से ये यह आपका यूजीसी नेट का ही क्वेश्चन है जो पूछा गया था आपसे ठीक है अब एक और क्वेश्चन देख लेते हैं एक और क्वेश्चन था मुझे वो मिल नहीं रहा है उसमें ना एलएमएस के आ, को लेकर के कुछ कुछ पॉइंट्स दिए हुए थे उसमें से सही ऑप्शन चूज करना था जिसमें एक ऑप्शन था कि इज अ हार्डवेयर तो तो सबसे पहले तो वही एलिमिनेट हो जाता बट मुझे वो क्वेश्चन मिला नहीं अगर आपको मिलता है वो क्वेश्चन तो प्लीज उसको जरूर सॉल्व कीजिएगा या फिर मैं ट्राई करूंगी एक बार उसको टेस्ट सीरीज में भी इंक्लूड करने के लिए स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटिंग इन ऑनलाइन क्लासेज आर टॉट बाय इंस्ट्रक्टर फॉलोइंग द लेसन द इंस्ट्रक्टर इंटेंस टू इनकॉर्पोरेट रीडिंग मटीरियल ई कॉन्टेंट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन एटसेट्रा दैट कैन कैन बी व्यूड बाय द स्टूडेंट्स व्हाट ऑप्शन वुड द इंस्ट्रक्टर चूज हाँ ठीक है हाँ चलिए ठीक है तो अभी इसका आंसर क्या हो जाएगा एल एम एस यानी कि लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम ठीक है चलो बढ़िया बहुत बढ़िया <clears throat> गुड या गो अब एक और क्वेश्चन कर लेता है यहाँ से आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में पता चल जाएगा अगर ये क्वेश्चन रिपीट होता है आपके एग्जाम में तो आप कर लोगे विच ऑफ दी फॉलोइंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम कौन कौन सा एग्जाम्पल है लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम का ये क्यों इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आपसे ये क्वेश्चन रिपीट हो करके भी आ सकता है क्योंकि ये बिल्कुल नया नवेला क्वेश्चन है जो एनटीए के द्वारा पूछा गया है तो एन टी ए कैन आस्क अगेन कि भाई लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम का एग्जाम्पल दे दो बहुत सारे क्वेश्चन मिला करके इसको हिंदी में भी देख लेते हैं हाँ। <laughs> बस छुट्टी कर रही माइंड मैपिंग और कॉन्सेप्ट मैपिंग पढ़ा दू फिर छुट्टी क्विज आपको टेस्ट सीरीज में इंग्लिश और हिंदी दोनों में मिल रही है दोनों में है क्विज अवेलेबल हाँ। तो देखो यहां पर आपके बहुत सारे लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम को लेकर के जो चीजें हैं वो यहां पर दी हुई हैं तो प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर लिख लीजिएगा एडमोडो है आपका स्कूलॉजी है ब्लैक बोर्ड लर्न प्लस है कैनवस है एब्जॉर्ब है मूडल है ये सारे आपके लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम में इस्तेमाल किए जाने वाली चीजें हैं अब ये तो आपका एक हो गया इससे भी एडिशनली आपको क्वेश्चन में चीजें मिल जाएंगी जो की है हम्म जो की है आपकी स्कूल ऑर्जी अभी हमने देखा एडोमोडो हो गया आपका कैनवास अभी हम लोगों ने देखा और हमने और एक लर्न डैश होता है तो बुक क्रिएटर तो नहीं होगा अभी हम नहीं देखा बट हमने लर्न डैश वहां पर नहीं देखा था उस पिक्चर में तो आप जो भी नोट्स बना रहे हो क्लास के दौरान अब आप उसमें लर्न डैश भी ऐड कर लीजिए तो हमारे पास बहुत सारे लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम के एग्जाम्पल हो गए इसके अलावा आप लोग आज का होमवर्क है कि आप लोग जाकर के एक बार देखेंगे लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम के क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं जितने भी एग्जाम्पल्स हैं एक बार उनको लिख लेना ताकि अगर एग्जाम में ऐसा कोई सवाल आता है तो आप दो नंबर आसानी से ग्रैब कर सको क्योंकि आपको पता है बदलते हुए पैटर्न के साथ में क्वेश्चन आ रहे हैं ठीक है अब बात कर लेते हैं हम लोग माइंड मैपिंग के बारे में ठीक है अभी हम लोगों ने माइंड मैपिंग का एक क्वेश्चन देखा था

समझने के लिए और साथ ही साथ क्योंकि ये आपका विजुअल रिप्रेजेंटेशन होता है चीजों का तो आप देख करके समझ सकते हैं कि क्या चीजें जो हैं वो लैक कर रही हैं तो यहाँ पर हम चीज़ों को की प्लानिंग करते हैं कोलाबोरेट करते हैं यानी कि साथ में जुड़ते हैं ठीक है क्रिएटिविटी यानी आइडियाज़ आते हैं बहुत सारे उन आइडियाज़ को हम प्रोड्यूस करते हैं ताकि हमारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो सके हम उस चीज़ में आगे बढ़ सकें और एनालिसिस भी करते हैं यानी चीज़ों को का विश्लेषण भी करते हैं कि कैसे हम उस चीज़ को और बढ़िया कर सकते हैं अच्छा एक और चीज़ आती है एक माइंड मैप को समझने के लिए कॉन्सेप्ट मैप समझना भी ज़रूरी है ठीक है जिसमें हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीजों को हाईलाइट करते हैं अब जो मैपिंग मैपिंग है है, और माइंड देखो इसमें क्या होता है कॉन्सेप्ट मैपिंग में मैं आपको माइंड मैपिंग दोबारा बताऊंगी एक बार इसको भी देख लेते हैं कॉन्सेप्ट मैपिंग में हम विजुअल रिप्रेजेंटेशन करते हैं ऑफ इंफॉर्मेशन अच्छा माइंड मैप में क्योंकि हम ब्रेन स्टॉमिंग कर रहे हैं या फिर हम आइडियाज को पिच कर रहे हैं तो हम एक ही चीज पर सेंटर होते हैं या एक ही प्रॉब्लम पर हम सेंटर होते हैं वन प्रॉब्लम एट वन टाइम ठीक है माइंड मैप में कॉन्सेप्ट मैप में क्या होता है हम बहुत सारे फ्लो चार्ट्स को लेकर के चलते हैं अलग अलग प्रॉब्लम्स को एसोसिएट करके चलते हैं इसीलिए यहाँ पर वेरियस प्रॉब्लम्स यानी कि एक साथ कई सारी जो हमारी प्रॉब्लम्स या हमें जो चीज सीखना है वो एक बार में हम कर लेते हैं तो कॉन्सेप्ट मैप्स आर विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन यहाँ पर हम चार्ट के थ्रू ग्राफिक ऑर्गेनाइजर्स के थ्रू टेबल्स के थ्रू फ्लो चार्ट के थ्रू वेन डाइग्राम्स और टी चार्ट के थ्रू चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको फ्लो चार्ट बताऊं तो हम फ्लो चार्ट में क्या करते हैं किसी चीज को स्टार्ट करते हैं ठीक है उसके बाद यहां पर कोई चीज होगी एक्स वाई जी। वो एक्स वाई जी चीज जो है वो आपकी इस एबीसी से कनेक्टेड होगी ये एबीसी अगेन आपका किसी मान लो पी क्यू आर से एसोसिएटेड है फिर ये आपका ऐसे और फिर आपका ये एंड हो रहा है इसमें भी आपके बहुत सारे एरोज भी लगे होते हैं कि भाई अगर ऐसा हो तो ऐसा हो जाएगा ये वैसा इस तरह की चीज़ें तो जब भी हम कोई फ्लो चार्ट देख रहे हैं या कोई वेन डाइग्राम देख रहे हैं जब हम वेन डाइग्राम भी देखते हैं तो भी हम कोई रिलेशनशिप स्टैब्लिश करते हैं जैसे मान लो ये कोई वेन डाइग्राम है ये मान लो ए है ये मान लो बी है ये मान लो सी है तो इस वेन डाइग्राम से हमको समझ में आ रहा है कि यहां पर ये चीज क्योंकि ओवरलैप कर रही है तो ये कॉमन है बिटवीन ए एंड बिटवीन बी तो हम वेन डायग्राम से भी बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते तो जो हमको ग्राफिकली चीजें दिखाई दे रही है जहां पर हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं चीजों का विजुअल रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं देख कर समझ रहे हैं उसको हम कॉन्सेप्ट मैप कर कहते हैं अब चाहे आप टेबल बनाइए अब देखो यहां पर मैं क्यों कह रही हूं कि हम बहुत सारे प्रॉब्लम्स को एक साथ टैकल कर सकते हैं चाहे आप टेबल बनाइए टेबल में भी आप बहुत सारे रोज एंड कॉलम्स का इस्तेमाल करते हैं बहुत सारी चीजें एक साथ आ गई ठीक है अगर हम वेन डायग्राम बना रहे हैं तो वेन डायग्राम में भी हम बहुत सारी चीज बहुत सारे ऐसे इस तरह से कर सकते हैं है ना वी कैन मेक सेवरल वेन डायग्राम्स लाइक दैट तो हम बहुत सारी चीजों को एक साथ कर सकते हैं फ्लो चार्ट में भी मैंने आपको अभी बताया ही था चार्ट्स के थ्रू भी हम वैसे ही कर सकते हैं चाहे पाई चार्ट हो चाहे आपका बार ग्राफ हो कुछ भी हो एनीथिंग अगर आप इन सब चीज़ों को देखोगे तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स को एक साथ टैकल कर सकते हैं विजुअलाइज कर सकते हैं उसको तो ये आपका कॉन्सेप्ट मैप आ जाता है माइंड मैपिंग में ऑन दियर अदर हैंड हम सिर्फ एक ही चीज को जो है वो टैकल कर रहे हैं ये क्या है आपका माइंड मैप एक बहुत ही पावरफुल नोट मेकिंग मेथड है और ये इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स को तो हाईलाइट करता ही करता है साथ ही साथ उन चीजों के जो रिलेटिव इम्पोर्टेंस है इंडिविजुअल पार्ट पे उसको भी बताता है यानी कि ये न केवल महत्वपूर्ण तथ्यों को उजागर करते हैं बल्कि किसी विषय की समग्र संरचना और उसके अलग अलग हिस्सों के सापेक्ष महत्व को भी दिखाते हैं यानी एज अ होल भी बात करेगा और इंडिविजुअल लेवल पर भी उसकी बात करेगा ठीक है अच्छा ठीक है ओके ओके, ओके थैंक यू हाँ चलो तो दे आर ग्रेट वेन यू नीड टू थिंक क्रिएटिवली एंड एंड कैन हेल्प यू मेक न्यू कनेक्शन बिटवीन आइडियाज तो इससे होता क्या है कि अगर आपको कुछ भी क्रिएटिवली सोचना है अभी मैंने देखा आइडियाज़ को प्रोड्यूस करना क्रिएटिवली सोचना एनालिसिस करना और जो भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें आपकी माइंड मैपिंग में आ जाती हैं तो यहाँ पर हम नए नए आइडियाज़ को जनरेट करते हैं चीज़ों को समझते हैं बट ये एक ही प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए या फिर एक ही प्रॉब्लम पर सेंटर्ड होता है ठीक है अब हम क्या कर लेते हैं इसका फटाफट फड़ से क्वेश्चन कर लेते हैं आ, ताकि आपको और अच्छे समझ में आ जाए चीजों के बारे में हाँ ये देख लो फाइव बेस्ट माइंड मैपिंग टूल्स के बारे में कॉगल माइंड मिस्टर आयोया या माइंड नोड और एक्स माइंड इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आए थे तो प्लीज इसका या तो स्क्रीनशॉट ले लो या तो इसको अभी फटाफट फड़ से लिख लो अब मैं आपको क्वेश्चन करवा देती हूँ ठीक है ठीक है चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं फटाफट से आ, हाँ विच ऑफ दी फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ माइंड मैपिंग ये आपका बिल्कुल रीसेंट का क्वेश्चन है <coughs> हाँ जी सी पैरों में दर्द हो गया मेरे ठीक है अनुराग बना देंगे चलिए इसका आंसर देख लेते हैं सबसे पहले तो देखो यहां पर जब भी, भी हम मैपिंग की बात करते हैं चाहे कॉन्सेप्ट मैपिंग हो चाहे माइंड मैपिंग हो दोनों में ही हम विजुअल रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं चीजों का ठीक है तो अब यहां पर कह रहा है कि इट इज बिल्ट अराउंड अ सेंट्रल टॉपिक अभी हमने बताया कि जो माइंड मैपिंग है वो एक ही चीज पर केंद्रित होता है एक विषय पर केंद्रित होता है तो ए तो होगा ही ठीक है अब जहां पर ए नहीं है उसको टाटा बाय बाय बोल दो तो हमने सेकेंड और फोर्थ को तो वैसे भी टाटा बाय बाय बोल दिया क्योंकि ए है नहीं ठीक है अच्छा यूज ऑफ लॉन्ग सेंटेंसेज एंड पैराग्राफ्स तो ये तो था ही नहीं Uh, uh, ये तो हमने रखा ही नहीं था ना माइंड मैपिंग में कि हम बहुत सारे थोड़े लॉन्ग सेंटेंसेस और पैराग्राफ्स बना रहे हैं चीजों को समझाने के लिए ठीक है उसके बाद आइडियाज को क्योंकि रिप्रेजेंट करने वाला होता है माइंड मैपिंग तो बिल्कुल हम इमेजेस और सिंबल्स का इस्तेमाल करते हैं और साथ ही साथ यहाँ पर द ब्रांचेस ऑफ अ पर्टिकुलर टॉपिक फॉर्म अ कनेक्टेड नोडल स्ट्रक्चर तो ए सी और डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा विच इज ऑप्शन नंबर थ्री ठीक है हाँ ओके um, okay. ये भी बता दो अब इतना खर्चा हो ही गया तो एक चिप्स का पैकेट ले ही लेते हैं विच ऑफ दी फॉलोइंग टूल्स आर यूज फॉर क्रिएटिंग एंड शेयरिंग माइंड मैप हाँ जी आप अपना बेस स्ट्रांग रखिए जो भी आप कर रहे हैं चलिए तो इस क्वेश्चन को कराने का जो मेन मोटिव है दैट इज कि आपको ये सारे ही ऑप्शंस पता चल जाएं कि भाई ये माइंड मैपिंग टूल्स हैं तो ए बी सी डी एंड ई थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर समझे गए ठीक है एक्स माइंड 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 ओमो और मीरो, ये सारे के सारे आपके जो है वो माइंड मैपिंग टूल्स हैं ठीक है हाँ चलिए ओके सो थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी मैंने कोशिश करी है कि आप लोगों के सामने इस सेशन को रखने की कि आपको बहुत सारी

कूपन कोड यूज़ करते ही आपको ये और भी ज्यादा एक्स्ट्रा डिस्काउंट पे मिल जाएंगे तो आप जा करके हमारे स्टोर को परचेज विजिट कर सकते हो और ये वाला कूपन कोड लगा करके जो है आप बैचेस को परचेज कर सकते हो इंग्लिश हिंदी फिजिकल एजुकेशन एजुकेशन होम साइंस हिस्ट्री जोग्राफी पॉलिटिकल साइंस संस्कृत सारे हमारे पास बैचेस अवेलेबल हैं फटाफट से जाकर एनरोल कीजिए एंड आई एल सी द बैचेस बड़ी बाकी अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं तो तब तो आपको बैचेस में आना ही चाहिए जून अटेम्प्ट अगर आप दिसंबर अटेम्प्ट अगर आप ट्रायल बेसिस पर दे रहे हैं तो बाकी जो बच्चे दिसंबर के लिए सीरियस हैं उनके लिए टेस्ट सीरीज अवेलेबल है इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में तो आप वहाँ से जाकर के टेस्ट सीरीज ले सकते हैं उसके लिए वाई कूपन कोड इस्तेमाल कर लीजिएगा साथ ही साथ आपको थर्टी प्लस टेस्ट सीरीज मिलेंगी पेपर वन की और पेपर टू की भी आपको ऐसी ही टेस्ट सीरीज मिल जाएंगी अपने रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स की तो अभी मॉक टेस्ट लगाइए जितने क्वेश्चंस कर सकते हैं उतने क्वेश्चंस कीजिए ठीक है चलिए बाय एवरीबॉडी टेक केयर एंड सी यू ऑल अगेन टुमारो एट टू पी रोज मेरी क्लास दो बजे होती है तो जुड़ना नहीं भूलना ओके